पूरा संसार में हर आदमी अपन एक्सपीरियंस के मुताबिक अपन राय बनावेला। हर सब्जेक्ट पर अलग अलग लोग के अलग अलग राय होवेला। लेकिन एक वर्ड ऐसन भी बा जेकरा पर केहू के भी राय अलग नहीं हो सकेला, और ऊ बा प्यार। प्यार और पागलपन एक के बा। हकीकत के दुनिया में प्यार नहीं खे, पैसा ही सब कुछ बा। पैसा कमावा और मौज मस्ती करा, लिव लाइक एन एनिमल। रिलेशन ही इंसान और जानवर में फर्क पैदा करेला। जानवर खाली अपन जरूरत पूरा करेलन, लेकिन इंसान रिश्ता बनावेला। रिलेशनशिप इज लाइक ऑक्सीजन। हां सब बकवास है। अगर मर्द के खाली एक खून माफ कर देवल जाए तो समझा औरत लोगन के तादाद आधा हो जाए। कितना घटिया बात बा। नहीं, ये बिल्कुल सही सोच बा। ऐसन सोचे वाले के ता जू में या जेल में होवे के चाहिए। आई एम सॉरी, हमार ख्याल दिमाग से निकाल दे। प्यार और आपसी रिश्ता में हमार बिल्कुल यकीन नहीं खे। ओके, बाद में मिलब। भाड़ में जा। दूल्हा कितना बूढ़ा बा, ससुरा शादी करे चलल बा। सच कही तो पागल बा ऊ। ऊ तो एकदम पागल बा। हमके तो लागत बा कि ओकर मते मारल गइल बा। गंगम स्टाइल। तोरी चांद जैसे चेहरा पे बादल काहे छाल बा। मून तबा पर हनी गायब बा। तू दुनिया के दिखा दा, जला के राख कर दा, जला के राख कर दा, प्लीज। भाई बाहर आके डांस करा ना। डिसेंसी नाम की भी कोनो चीज हो ले। अगर नहीं नच पाता सब तो के बुढ़वा समझिए। हम की आंख मत मारा, उनके मारा। अरे आवा डांस करो। हां तो बदल पड़ा बुढ़वा होई तोर बाप। चल जो ए तो के मालूम नहीं कि हम के स्लिटिस बा। उल्लू बनावत रहनी। रात के हम बीपी के टैबलेट लेवे भुला गल रहनी। जो रात के लेले रहला वो ब्लड शुगर खातिर रहल। शुगर के टैबलेट नहीं, बीपी के टैबलेट रहल। शुगर के रहल भाई। अरे हम डॉक्टर के, तू है बोल। तू बच्चन के डॉक्टर बाड़ा और हम तुहार। हमारी ईगो हट मत करा। मॉर्निंग में बीपी के टैबलेट, दोपहर में सर दर्द के, और रात के शुगर के। भुला गई लाका। वीकली किडनी के चेकअप करवावेला और मंथली हार्ट चेकअप करवावेला। करवावेला कि नहीं सब बोल के हमारा बोल दी का। प्लीज माया रानी, हम पे यकीन करा। विद इन 2 वीक्स मेडिटेशन करके हम 16 पैक्स बना ले। 16 पैक्स से दूर के बाद तू तो ठीक से माया माया। अरे माया सुन रानी। अरे बड़ी अजीब बात तुहार माया। कामराज तुहार दुल्हन तो भाग गई। तू यहाँ कैसे? हम ओकरा से शादी ना करब। फैंटास्टिक। हम पहले ही कहले रानी, इस शादी वादी बेवकूफी। हम के वो बेवकूफी तोरे साथे करे के बा। हमका तो से प्यार बा या कबो शादी का वादा कहले रानी। कॉमन टेस्ट की वजह से हम साथे आइल रानी, खाली प्लेजर खातिर कंटिन्यू कहले रानी बस। तू हमसे शादी कर बता, ये प्लेजर लाइफ टाइम मिलत रही ना। लिसन मैम, जैसे ही शादी के बंधन में बंधबू, प्लेजर बाहर और प्रेशर अंदर। अब हमारे मामा के ही देखा, बिना कोनो कमिटमेंट के कितना खुश रहल। आदमी के हमेशा मनी के बारे में और औरत के मेकअप के बारे में सोचे के चाहिए। फोकस तनी सा हिलल तब प्रॉब्लम खड़ा हो जाला। हाँ बोल। इसी वजह से हम प्रॉब्लम में फंस गए हैं। अरे सावधानी रख ले रहलू ना। लागत बा बड़का भैया के शक हो गइल बा। ओ ओकरा के उल्लू बनावे खातिर हमनी 2 महीना नहीं मिलल जाई, ओ ससुरा भुला जाई। 2 महीना? हाँ? इतना दिन हम तो से दूर रहब तक कैसे जियब? ओ तब तक खातिर फेसबुक बाना डालिंग। तू हमार फोटो देख के चैटिंग करिया और हम तुहार फोटो देख के फ्लर्टिंग करत रहा। इनबॉक्स और आउटबॉक्स में हमनी के रोमांस चलत रही। तो कितना इंटेलिजेंट बाड़ा। अब समझ लू कि बिना रिश्ता के कितना मजा करल जा सकेला। तू उसे शादी करे के काहे सोच लूं? पैसा खाती ता तू ओके छोड़ के काहे आ गई लूं? वो बहुत बूढ़ निकलल। ए तू ओकर दौलत देखा ना, वो बुढ़वा के काही देखत बाड़ू। पहले तू उसे शादी कर ले, जम गईल तो ओके, नहीं तो डाइवोर्स ले लिए। बट ई देश में कोनो बड़ी वजह के जरूरत नहीं है, बस मनमर्जी होवे के चाहिए। तलाक के बाद 5 करोड़ का मुआवजा भी मिली। चाहे तो ओकरे साथ रहा, नहीं तो ओकरे पैसा के साथ। अगर शादी करे खातिर जात कहल जात की वो भाग गई, पर एकरा का कहीं? अरे ऊ छोड़ा, हमके तो टेंशन बा कहीं शादी से पहले मर गई ना तो का होई। बोला हम कहले रहली ना शादी कर ले शादी कर ले, और तू कहत रहले हमके सेटल होवे के बा। अब सीढ़ी पर सेटल हो गए ना। सर बैंड क्या बजाई? आजो हमरे कपाल पे बजा ले। जा यहाँ से दिमाग मत चाटा, चल। भैया भाभी कहाँ रहलू रानी? जिंदगी के उलझन में उलझ के सुलझे गेल रहल, अभी बिल्कुल सुलझ गेल बा। अपन उलझन खुद सुलझा ले। तू के बाड़ा? हम एकरे मौसा के मामा के बुआ के पति के लड़का है, एकर कजिन यानी भाई बाड़ा।
टाइम वेस्ट मत करा, जल्दी शादी कर ला। अरे तू लोग चुपचाप काहे खड़ा बा, बजौता ना। हेलो। हेलो। कल रात जॉन चैरिटी शो ऑर्गेनाइज भइल रहल, वो फ्लॉप हो गई। क्लाइंट बहुत गुस्सा में बाड़न। उसे कहा ऑफिस में आ जाए, वही जा मिलब। चंदू, दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो तोके बहुत दिन से देख लेने के ना, यही खातिर तोहर नाम की रट लगेले बाड़न। तू जल्दी से इंडिया आ जाओ प्लीज बेटा। बेटा तू एक बार ऐसे ही आ जा, यही बहाने तू अपना दादा से भी मिल लिया। बेटा आजा बेटा, प्लीज बेटा, हम बेसब्री से इंतजार करत रहे बेटा। जस्ट शट अप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जॉनी। रात के 99 हो गए सर। अच्छा सर, ये बताएं, जब लड़की रउआ से मिलके वापस जाली तो ज्यादा खुश रहेली, ये कैसे पॉसिबल बा सर? वेरी सिंपल जॉनी, जैसे ही उन्होंने क्या आई लव यू बुलबा, तो तुहार स्टेटस, तुहार पैसा, पास्ट में का, प्रेजेंट में का, लाखों सवाल पूछिए। और जस्ट फॉर फन बुलबा, तो तोहरा से एक भी सवाल न पूछिए, एंजॉय करा और भूल जा, एनीथिंग इज पॉसिबल विदाउट लव। ओहो, अब तो देखे के पड़ी के रउआ केकरे साथ जाके अपन सेंचुरी लगाई है। कोनो न कोनो पिच पर तो उसे जरूर मिली। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बा जे के तू देखल चाहत रहलू। आर यू हैप्पी नाउ? देखा कितना खूबसूरत बा। जानत बाड़ा, अलग अलग देश के ई छोटा छोटा बच्चा एक साथे काहे आइल बाड़न? काहे कि ई जीवन के ऐसन अभागे पड़ाव पर बाड़न जिनके बचपन के ही मौत के नजर लग गई बा। उनके छोट सा जिंदगी में खुशी भरे खातिर एक चैरिटेबल संस्था एनहीन के आखिरी इच्छा पूरा करे के कोशिश करत बा, और वो संस्था बा मेक अ विश फाउंडेशन। संध्या जी, रउआ डॉक्टर के पेशा में लाखों कमाई के बजाय ई संस्था में फुल टाइम वॉलंटियर बने का इच्छा कैसे भइल? काहे कि ई संसार में केवल इंसान में ही दूसरा के खुश रखे के भावना होवेला, जौन कौनो और जीव में नाही। यही से अलग अलग देश के बच्चा इकट्ठा करके उन सब कर विश पूरा करेलू बहुत पैसा लागत हुई ना। हाउ इज इट पॉसिबल? एवरीथिंग इज पॉसिबल विद लव। लॉयर के अपने साथ ले आवले बा, बहुत ही नाराज देखत बा। माया फोन कैलस। गुड मॉर्निंग सर। बद्रीनाथ ब्लैक कॉफी। कितनी बार बतावली हमारा नाम बद्रीनाथ नहीं के केदारनाथ पा, 100 साल के बाद भी इनकी याद ना होई। देखा, हम प्रोग्राम करेला खाली सक्सेस खातिर। अनफॉर्चुनेटली राउर प्रोग्राम फ्लॉप हो गया। खाली शो ही फ्लॉप नहीं के भेल, दान से जौन भी पैसा आए वाला रहल, जौन अनाथ लोगन के डोनेट करे के रहल, उहो ना ही मिलल। डोंट वरी पियार, इतना तो हम दावे से कह सकीला। असल में जकरे के पास कोनो काम नहीं होवेला ना, उ लोग सस्ता पब्लिसिटी खातिर एक का काम करेले, और उ बा सोशल वर्क। तोहार ओपिनियन खातिर हम यहाँ नहीं बैठल हैं, तो हमार हर जाना भर दा, हम जाएं। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के ही साइन कर ले रहला ना, हमने के बीच कॉन्ट्रैक्ट भइल रहल कि अगर तोहार शो फ्लॉप होई तो ओकर जिम्मेदार हम नहीं रहब, ऐसा साफ लिखल रहल। नहीं के पढ़ल त पढ़ल, हम तो पढ़ चुकल हैं, अगर तोहके डाउट हो तो तू पढ़ सकेला। माया, तनी कॉन्ट्रैक्ट लिया बता। क्लॉज 24। व्हाट? फ्लॉप होए पर पैसा हम भरब? ई क्लॉज के टाइप कैलस? टाइप भी हम ही कैली और शो फ्लॉप भी हम ही करावली। व्हाट? तो हर देर फालतू आइडिया की वजह से हम शादी करके अपन जिंदगी बर्बाद कर लेली। ई तू दोनों से हमार बदला बा। तू होश में तो हाउ ना, अपन ही बेवकूफी की वजह से तू हमनी के ले डूबलू। मामा हम कहे चुप रही, एकरे साथे रंगलिया तू मनावला, आपन बात तू मनावला, व्हाई शुड आई टेक द ब्लेम? अगर तू हमसे शादी करला तो ये प्रॉब्लम से हम तो के निकाल सकीला। तो आर ऑलरेडी शादी हो चुकल बा। हां जा, यू वेट, एके हम हैंडल करीला। प्लीज टर्न, बहुत बड़ी बचकानी हरकत कैले बाड़ू। अगर 6 महीना बाद अपने पति से तलाक लेबू तो 5 करोड़ मिली, फिर चाहे ऐसे हमरे से बाजू वाला से केहू से भी शादी कर लिया, काहे कैसन लागल हमारा? जस्ट शट अप। एक्सक्यूज मी, इरास लीला डिस्कशन बाद में करिया, पहले हमार हर जाना का सेटलमेंट करा। हम अगर पैसा ना देब त
तो का कर ले बा? कोर्ट में जाए फोर्ज डॉक्यूमेंट खातिर उल्टा तोहरे पर केस कर दे, जरूरत पड़ल तो जज के खरीदब, अगर वो ना बिकल तो ओकर ब्लू फिल्म बना के ब्लैकमेल करब। आई नो अमेरिका, अगर यहाँ जजमेंट फेवर में नहीं खे भल तो अलग अलग कोर्ट में लेके जाए के केस के कैसे घसीटे के बा, लोग के पटावे के बा, मामला कैसे निपटावे के बा, हमें बखूबी आवेला। बात पूरा हो गई या एकरे अलावा और भी कुछ कहे के बा? हो गई, का कर ले बा? हम अब कुछ नहीं करब, जॉन भी करी कैमरा करी। ये फोर्ज डॉक्यूमेंट खातिर उल्टा तोहरे पर केस कर देब, जरूरत पड़ल तो जज के खरीदब, अगर वो ना बिकल तो ओकर ब्लू फिल्म बना के ब्लैकमेल करब। आई नो अमेरिका, अगर यहाँ जजमेंट फेवर में नहीं खे भल तो अलग अलग कोर्ट में लेके जाए के केस के कैसे घसीटे के बा, लोग के पटावे के बा, मामला कैसे निपटावे के बा, हमें बखूबी आवेला। खुद देख लिया, अमेरिकन कानून के हिसाब से ई वीडियो के मुलजिम के इकरारनामा के रूप में एक एविडेंस मान लेवल गईल बा। मुलजिम कोनो और कोर्ट में नहीं जा सकेला। ई केस में आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। मिस्टर चंदू के आपन क्लाइंट के $5 million हरजाना के रूप में देवे के हुई। Yes! और ई हरजाना के 30 दिन में नहीं भरे के हालत में मुलजिम के 10 साल खातिर जेल में डाल देवल जाए। देख ले एकर कमाल। हसला हसला, पैसा तोरे मुंह पर फेंक कर मारा। तो फिर जल्दी करा, टाइम बहुत कम बा, काहे कि तू 1 महीना बाद यहाँ नहीं जेल में रहबा। भरत, फालतू के सब प्रॉपर्टी बेच दे, जल्दी से सब कर एक लिस्ट बना। फरारी के भी ओके छोड़ा है, कल रात रिहाना के गिफ्ट कर दे ली। डुप्लेक्स हाउस ओकरा लिस्ट से हटा दा। काहे? ओके, हम डायना के गिफ्ट के लिए ही। हमके बतावे ना गिफ्ट काहे कैला? तू जोन करेला हमका बतावे ला का? हमसे पूछ के वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कैले रहले, अगर ये जेल गयल ता हमके कंपनी का दे। लिसन भांजे, बेचल प्रॉपर्टी और पराई बीवी कहियो अपन नहीं होत, कॉम्प्रोमाइज कर। ठीक बा। ओके, अब गिफ्ट देवे के बाद जोन प्रॉपर्टी बच गयल हा, ओके बतावा, हिसाब कर देला। अच्छा, हर जाना भरे के बाद हमरे पास का बची? सब बेचले के बाद भी 10 करोड़ कम पड़त बा। बद्रीनाथ, कॉफी। बद्रीनाथ, ये कॉफी नहीं टी बा। हमार नाम भी बद्रीनाथ नहीं खे, केदारनाथ बा। ए, नाम से का होवेला? पगार ले था ना तो काम करा। हम 10 साल से इजा काम करत हैं, रहुआ के हमार नाम तक नहीं मालूम। नहीं मालूम तो ओसे का फर्क पड़ेला? ये लोग कबो दूसरे के भावना के कदर नहीं करे लेना, उनके साथे आराम मिल सकेला खुशी नहीं। ओफो, तो ई दोनों में का फर्क होवेला? बतावे पर भी नहीं समझी हैं। हमें समझे के भी नहीं बा, गेट लॉस्ट। इतना साल से काम करके हम ई तो जान गए हैं कि रउआ के केहू मदद नहीं करी, आपके केहू के परवाही नहीं, चाहे तो ट्राई करके देख ली। हेलो 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 सर, आर यू देयर? हेलो 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 पीटर, हमनी के कोर्ट के बाद मार्केट ने फैल गल बा, खरीदार भी हमनी के मजबूरी के फायदा उठावत बाड़न। सर, हमके नहीं खे लागत की 15 करोड़ भी मिल पाई, वैसे भी 15 दिन तो जा ही चुकल बा, लागत बा दूसरा प्लान सोचे के पड़ी, तब तक हम हो जाके कुछ ट्राई करीला। इंडिया से कॉल बा। हेलो, हम इंडिया से रउआ के फैमिली वकील बोला थी, हम जाना थी रउआ के इंडिया के प्रॉपर्टी में कौन इंटरेस्ट नहीं थे, राउर दादाजी के तबीयत ठीक नहीं रहला, यही खातिर उस सब जायदाद बेटी लोगन के देवत पड़ा, 1000 करोड़ के प्रॉपर्टी बा। कानूनन रउआ भी एगो वारिसी, राउर साइन के बिना ही प्रॉपर्टी उन्हीं के नहीं मिल सकेला, यही खातिर एक बार इंडिया आ जाई। ठीक है पिताजी, रउआ अम्मा के नाम पर भगवान राम के मंदिर बनोली और अचानक हमार शादी इतना जल्दी वही मंदिर में काहे करवाल चाहते हैं? तई में गलत का बा, अमेरिका से पढ़ाई करके जैसे ही तू वापस आई बा, सत्यवती से तुहार शादी हुई, ये पहले से ही तय रहल,
बस ही शादी घंटे भर में हो जाए तो बुराई का बा। सतवती से रउआ हमार शादी का रोल चाहत हैं, पर हम ये शादी नहीं कर सकी। अमेरिका में हम एक लड़की के चाहिला, शादी भी हम वही से करब। बात तोरे और हमरे चाहत की नहीं है, बात हमार वचन की बात जो हम ओकरे माई के देले रहनी। अगर तू हमार बेटा बाड़ा तो शादी सत्यवती से ही करवा, वरना हम समझब हमार खाली दूगो बेटी बाड़ी। इंडिया जाके का करब, अगर संजू ही नहीं रहल तो हम वही जा कहीं जाए। आई एम सॉरी, चल। कृष्णा एगो अच्छा लड़का है बेटी, तुके पति ही नहीं चंदू के एगो पिता भी मिल जाए। हम संजू के भुला नहीं पाए पापा। हे भगवान, संजू संजू संजू, वो जब तक जिंदा रहल बाप खातिर तड़पत रहल, अब तू समझ में नहीं क्या होत का हुई। Never get into a relationship. It gives only pain. तू आपन जिंदगी में कहीं रिश्ता मत बने हैं, ना ही तो हमरे जैसन रोएबा। तू आपन जिंदगी में कहीं रिश्ता मत बने हैं, ना ही तो हमरे जैसन रोएबा। हमरे जैसन रोएबा। एकदम से इंडिया जाए के सोच लेला, हर जाना के भरी। वही से तो छुटकारा पावे के जुगाड़ में आई, बतावली ना हजार करोड़ का प्रॉपर्टी बा। हम कुछ चक्कर चलाए और बाकी का पैसा लेके 4-5 दिन में वापस आ जाए, तब तक तू मनी मैनेज कर लिया। तू लोग ठीक पड़ा? इट्स ओके भैया, हम ठीक हैं। हेलो, एकर का मतलब हमारे ख्याल से तू जेल जाए के फैसला कर ले बड़ा, ऐसे कार चलावल जला। अरे वो कार में तू रहला पीआर, पहले पता होता डेफिनेटली ठोक देत। यू ब्लडी, तोके 10 साल के सजा नहीं डेथ सेंटेंस मिल के चाहिए। छोड़ा ना भैया, काहे मुंह लगावत बाड़। सी हाउ रैश ही इज। ए तोहर बहन बागा का नाम बाऊकर? जस्ट शट अप। तू कमाल का साला बनबा, तोरे बहन के ऐसन सेट करब कि सारा उम्र हमें जीजा बोलबा। चुप चुप चुप। पहले पकड़ता ला। के रहल भैया? He is bloody rogue. तो अकेले इंडिया जात पड़ो, हमके टेंशन हो रहल बा। भाभी चिंता मत करा, हम वहाँ अकेले नहीं रहब। ओही जा हमार ख्याल रखे खातिर पहले ही से लोग बाड़न। संध्या, तू कहा तो सुबह के भेज दी। रहुआ हर बार ओही के जिक्र काहे करेनी? वो देखे में हैंडसम बा और तो के जाने ला भी। He is very nice and intelligent person. In fact, हमरे सब जूनियर्स में वो है सबसे अच्छा बा। हम जानत हैं रउआ का कहत हैं, पर शादी ओही से करे के चाही भैया, जेकरे खातिर आपन दिल में कौनो फीलिंग हो, और हमरे दिल में ओकरे खातिर कौनो फीलिंग नहीं खे। ए फीलिंग ए थ्रिल हमारे हिसाब से बकवास बा। हम राउर के फीलिंग समझी ला भैया, बट रउआ भी हमार फीलिंग समझी ना। ओके, आई हैव टू गो। अपन बाय बाय बोला बेटा। बाय छोटू। बाय भैया। हां संध्या, कम से कम तू जैसन साथी चाहत बड़ो उकरे बारे में हमने के बताइया जरूर। मिलते ही बताई। सर, ई रहल टिकट। थैंक यू डार्लिंग। यू आर वेलकम। तू हमके जानता हूँ, हम उगो हैं। कैसन बाड़ू, हमरे संगे कॉफी पीबो का? क
का लड़की बा चंदू, सामने अगर पुलिस के टेंशन ना होना तो अब ये सेट कर ले देगी। ठीक बा भाभी, हम कॉल करब। एक्सक्यूज मी, का बा? इंडियन लागत बाडू, का नाम बा, कहाँ के बाडू, ब्ला ब्ला ब्ला, यह पूछ बाना। आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, प्लीज स्टॉप हैरेसिंग मी। बोल ले लू, तू हमरे फोन पर बैठल बाडू। बैड लक। एक्सक्यूज मी, हमरे फोन से कॉल कर ली। इट्स ओके, थैंक्स। माफ करी, हमरे वजह से राउर के फोन टूट गए। थैंक्स। हेलो श्रीनिवास जी, हम चंदू बात कर रहे थे यूएस से, सही पहचान ला। दरअसल काल हम इंडिया आवत हैं, वह इन्फॉर्म करे के रहा। थैंक्स अ लॉट। आई एम संध्या। हाय, आई एम जस्ट अ मिनट। चंदू जी। हाँ, हमारा नाम कैसे जान लो? राहुल बुआ के फोन आइल बा। थैंक्स अगेन। हेलो बुआ जी, हम चंदू बोलो थे। ओखर जरूरत नहीं खे, एड्रेस लिखल बना, हम बस पहुंचा थे, ठीक बना। थैंक यू। आई एम संध्या। हम चंदू है। कहाँ जा थे रहुआ? वो एड्रेस हमरे बुक में लिखल बा। का? हम पलल बड़ल है अमेरिका में, फर्स्ट टाइम इंडिया जाते हैं। ओह ओके। अपने बारे में कुछ? हम अमेरिका से हैं, पर इंडिया 3 बार जा चुकल हैं। अब की बार मुंबई की ट्रिप पर। यू नो समथिंग, जब फर्स्ट टाइम हम तोके देख ली तो पता नहीं हमें काहे के ऐसा लगल कि हमने एक दूसरे के जानी ला। आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ योर आईज। जब ओके देख ली तो लागल कि वो हमारे दिल के गहराई में उतर गई बा। अरे आप तो कॉम्प्लीमेंट तोरे खातिर कॉमन बा, पर यह है सच बा। थैंक यू। चला, थैंक्स एनीवेज, आपसे मिलके खुशी भइल। सच में इतना टाइम कैसे बीत गई हमके जरा भी पता ना चलल। आप जैसन अच्छा बिहेव करे वाला हमके जिंदगी में बहुत कम मिलल हुए। अगर लड़की के पता चल जाए तो फ्लर्टिंग ना ही पता चलल तो फ्रेंडशिप। असली पता था तो के अमेरिका जाए के पता चली बेबी। ओ तू फोन रख, मैडम पहुंच चुकल बानी यार, फोन रख। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। सफर में कोनो तकलीफ तो ना ही भइल? ली ही राउर फोन। ई रख ली है, हमसे टूट गई रहल ना। नो 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 नो, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस पीस। अगर आप ना कहिए तो हम हन का फ्रेंडशिप टूट जाए, प्लीज टेक इट। ओके। यहाँ कोनो सवारी मिली? कहाँ जाए के बस आप? रामपुर। एक मिनट साहब। हे, इट्स अ लेटेस्ट मॉडल देन माय फोन। ओ चक्रम, तोर तरफ के ग्राहक बाजार, ओ बकवास मत कर, मैडम के होटल में पहुंच। पियक्कड़ कहिके सर, आधा घंटा में वो पहुंच जाए। अगर रउआ चाहे तो होटल में चल के फ्रेश हो सकेली सर। या प्लीज कम। ऑल राइट, हम लेके आओ थे मैडम। मैडम, ये बच्चा लोग का मम्मी। नमस्ते। बच्चा लोग कहाँ बाड़न? सॉरी बच्चा लोग, कस्टमर वेट करत बाड़न। बच्चा लोग के बाड़न? ई वो बच्चा लोग हुए जेके डॉक्टर जवाब दे चुकल बाड़न, ई बीमार हुए। व्हाट? उनके अपन बिगड़त तबियत के बारे में कुछ भी नहीं खे पता। हम मेक अ विश फाउंडेशन से इन्हीं के अमेरिका ले जाता हैं। इनके उस सब जगह दिखाई जौनी देखल चाहत बाड़न। इन्हीं के लास्ट विश के खातिर हम एहिजा इंडिया आयल हैं। ई का बात भइल, तो इतना खूबसूरत बाड़ू, यंग बाड़ू, लाइफ के एंजॉय करे के बजाय इन्हें के चक्कर में पड़ल बाड़ू। केहू के लास्ट विश पूरा करे से बढ़ के और का सेटिस्फेक्शन हो सकेला केहू के लाइफ में? हमरे खातिर सबसे बड़ा एंजॉयमेंट ई है बा। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। ट्रैफिक बहुत ज्यादा बा, ड्राइवर सेफ तो चलावेला ना? पक्का से बस। हेलो सर।
टेल मी ई कबाई ते पीले बा साहब अगर ना पी तो दिमाग दारू में लगल रही और अगर पी ले तो दिमाग ड्राइविंग में रही सही बात बा रुआ जाई साहब बाकी हम देख ले आर यू श्योर एकदम श्योर सर चली आई बेटी पेट में जबली दारू रही सब ठीक चली इंडिया में फर्स्ट टाइम आई बड़ा का फर्स्ट टाइम वेलकम टू इंडिया थैंक यू स्टीयरिंग संभाला सर स्मोक करेंगे बा इंपोर्टेड बा आई डोंट स्मोक यानी हम सिगरेट ना पीला ठीक बा फिर एक अंग्रेजी पिया मतलब शराब शराब फर्स्ट टाइम इंडिया में आई ले ना एक खातिर ना लिया ली अरे अपने खातिर नहीं सर यहाँ के लोग खाते तो लिया के चाहत रहे ना जो पहले से ही पी ले बा बाहर से आवे वाला खातिर रूल बा का अरे रूल गए तेल ले इधर रिवाज बा फॉरेन से आवल वाला तो कौनो वाच कौनो खंबा कुछ तो लियावे के रेली सिखावे के पड़ेगा कुछ ना कुछ लेके आवल कंपलसरी बा का हां जरूरी बा वरना लोग बुरा मान जाले अच्छा जल्दी से गाड़ी घुमा ले तेरे की या के लोग के तुरंत देत पड़ेगा हमके इतना उल्लू समझ के रख ले बाड़े की यू टर्न नहीं अरे बड़ा तो कुछ भी करवा का गाड़ी गाड़ी तेरी साइड में लगा बा घर में घुसते सबके इम्प्रेस करल जरूरी बा वरना तो के 25 करोड़ खातिर पापड़ बेले के पड़ी डू समथिंग चंदू इतना देर कैसे हो गई बेटा दादाजी के अच्छा स्वास्थ्य खातिर रास्ता में पूजा करे खातिर रुक गई रहनी कुछ सीख ली रवा हमारे पिताजी के बढ़िया स्वास्थ्य खातिर रवा कुछ ना कहली कुछ भी कहा खून के रिश्ता मिला सर हां ओ चूना लगा गए देखा सब रिपोर्ट नॉर्मल बा बस दवाई टाइम पे लेते रहिए रेस्ट करे के बजाय दादाजी फाइल लेके कहीं बैठे अरे आराम का करे हैं हम बड़की के शादी इनसे यही खातिर कैले रहनी कि अकाउंट्स देखे हैं हमने के कर्म फूटल रहल जे इनके हिसाबे नहीं आवे अब इतना बड़ा बिजनेस देखे में थोड़ा बहुत गलती तो हर इंसान से हो जाले हां ये लोगन के आंख बंद करके बाटेला और मुट्ठी बंद करके बटोरेला टोटल लॉस भाई तो हुकम नहीं यानी कि तू चुप रहा इनसे ऑफिस देखे के कहली तो इनके ऑफिस मैनेज करे के चाहत रहल ना ई ऑफिस में रहे के बजाय ड्राइवर साथे पान के दुकान पर ज्यादा रहो सासू माई हम एक यूनियन लीडर हैं खाक के लीडर अगर तू अकलमंद होता ना तो इनके ई फाइल्स के साथे ना ही रह के पड़त तू और ऊ दोनों ही नालायक बड़त ऊ रघु के गलती के वजह से हमके हमेशा घसीटल जाला ओके अकेले तो डांट नहीं सकेले यही खातिर हमके घसीट के डांट देवेले हमेशा नाक में दम करके रख ले बाड़ी हम कुछ भी नहीं कहले बाड़ी तू तो खुद ही अपने बेवकूफी से कंपनी के रेड मारे पर तोलल बाड़ा वो तो कहा हमारे कारण तुहार जान बच गई नहीं तो पता नहीं का का हो जाए आयल हमार जान बचाए वाला खुद तो उल्लू जैसन बा हमसे कहले रहल कश्मीर के सेब हुआ महंगा बेचाला ओकर खेती यहाँ कर लेवल जाए समुद्र के किनारे रेत पर खेत लगो ले रहल सूख गई ना सब फसल घंटा निकलल ओकरा में से इतना घास भी ना निकलल ये हमके बचाई अरे हमार काम खातिर बंटर क्लब हमके अवार्ड दे ले बा हमसे टक्कर लेबे और तू का कहले बाड़े स्पीक एशिया कंपनी में 1-5 बनावे चलल रहले ओकरा में 10-10 मेंबरशिप लेके लाखों लगा देले और वो कंपनी फ्रॉड निकलल लाखों के चुना लगा गईल बेवकूफ कहीं के इटालियन पिज्जा के साथे सांभर खाबे हैं आपस में लड़ाई बंद करा हमार भतीजा आगल बना वो कंपनी के सारा काम संभाल ले तू दोनों बस आराम कर अरे इतना आसानी से पूरा कंपनी दे दिया ओकरा के हम ऐसा ना होके देब आई दादाजी बैठी बैठा बैठा बस 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 धन्यवाद मिर्ची ज्यादा पड़ गई का मुंह में ना दिल में पड़ल बा हमनी के साला साहब हमनी के शादी अटेंड ना करे खातिर कितना दुखी रहलन ए खातिर ऐसा करल जाए कि अपन बेटी के शादी एकरा से तय कर देवल जाए छी 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 छी
कतना छोट बाओ, बाल विवाह करवाई काई करहा कहीं बोला ना बेटा तू राजी बाड़ा ना ये तोहरे जैसे नहीं के एक सोचे के टाइम तो दे पूछे था शादीशुदा बा या नहीं के सही आइडिया हमार मतलब सही कहलन फूफा जी हम तो ऑलरेडी मैरिड हैं देख ले तोहर बीवी कहां बा चंदू हम ही फर्स्ट टाइम इंडिया आ रही नेक्स्ट टाइम मौके लेके आए ए भरत ऑल ओके मैन कुछ उम्मीद बा वैसे तो सारा का सारा प्रॉपर्टी हमरे दोनों बुआ के नाम पर बा बस 200 करोड़ का एक छोटा सा चैरिटेबल ट्रस्ट दादाजी हमरे पापा के नाम कैले बाड़न ट्रस्ट के भइल त का भइल 3 दिन में हम पैसा लेके ओइजा पहुंचब ओके डोंट वरी बाय जो बेटा वो कुर्सी पर बैठ एकर का जरूरत बा दादाजी हमार इच्छा रहल कि कुर्सी पर हम तोहरे पापा के बैठल देखी पर वो तो अधूरा रह गई कम से कम तू तो बैठ बेटा हमके माफ कर दे बेटा हम कुछ समझ ली नहीं दादाजी हम तोरे पापा के साथ बहुत नाइंसाफी कईली हम ही जिद पर अड़ गईली कि ओकरा के हमार बात माने के चाहिए वो इनकार करके चल गईली हमके लागल कि ऊ लौटी ओके लागल कि हम मनाई 10 साल बाद हमके अपने गलती के एहसास भइल जब तो हर दादी बीमार बहनी तो हमनी के लागे लागल कि हमरी चिता के आग खातिर हमार बेटा ही साथे नहीं की जब तक तू लोग हमके मिलता वो जा चुकल रह तो के अनाथ बनावे के पीछे हमार अहंकार रह हमके माफ कर दे आप ऐसा मत कहें दादाजी दिल छोटा ना करें नमस्कार हम हैं श्रीनिवास राव तोहर पिताजी के दोस्त हैं हमने एक के साथ कॉलेज में पढ़त रानी सब डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गई बा जब भी रहुआ रजिस्ट्रेशन खातिर कहब हम सब करवा देब अगर हम कुछ कहीं तो गलत मत समझिया बेटा तू इंडिया में काहे नहीं रहता वहां हमारा अपन बिजनेस बताता जी ओकरा के क्लोज करे में मिनिमम 6 महीना तक लगे जाए पर अपने पापा के नाम पर 50 करोड़ के लागत से हॉस्पिटल बनवावल हमार मंशा बा 25 करोड़ रेडी हो चुकल बा और बाकी के 25 करोड़ अरेंज करे में थोड़ा टाइम लगी तब तक हमें वही जगह रह के पड़ी आपन हॉस्पिटल खोले खातिर काहे परेशान बाड़ा बेटा ओकरे नाम के आगे बढ़ावे खातिर ही तो ई ट्रस्ट बनल बा का कहत बाड़ा दादाजी अगर वो तोहार बाप बा तो हमार भी तब बेटा बा काले समय तक तोरे अकाउंट में पैसा होई हॉस्पिटल बनवा के और कंपनी के काम खत्म करके तू ऐसा आ जा जैसन रहुआ कहीं दादाजी वसीयत के काम कुछ दिन रुक सकेला उसे पहला पैसा ट्रांसफर करा ओकरा में देरी मत कर इतना रकम विदेश भेजे में 4-5 दिन तो लग ही जाए 4-5 दिन में कौनो आज 25th हो गई बा वैसे 4-5 दिन में कौनो प्रॉब्लम नहीं की पागल बाड़े का लोग अपने पैर पर खड़ा होवेलन और तू बाड़े की सर के बल खड़ा बाड़े चल खा ले अब खा भी ले अब खाई तो पता ना चली कि खाना ऊपर गई कि नीचे सुधर भी नहीं बंटी बंटी हम यहाँ अच्छा वहाँ बाड़े ये तो खाना में अपने हाथ के गंदगियों मिलावत बा तू कहाँ छुपल रहले चल खा ले पता बा तोहरे पापा के भी हम ऐसे ही खियावत रहली अब तो हके खियाई ले खा ले हमके तोहर पापा भी बिल्कुल ऐसा नहीं करत रहले भांजे लड़की से खिलवाड़ कैले तू हमके भी धोखा देले तू जेल जइबे तू तू भाग गईले और हमके फंसा देले तोहके एकर सजा मिली हां ट्विन टावर गिरेले तू लादेन के मरला तू 100 सेंचुरी बनवला तू जे क्राइम कैले ओकर सजा हम काहे भुगती हां
अरे हम का बोला था और तू का वक्त बाड़े? अमेरिका में पुलिस तोके छोड़ के हमके पकड़ के ले जाई। अगर हम वहाँ खिड़की में भी झाकी ला ना तो वो हमके चंदू समझ के पीटे शुरू कर देवे। कहाँ कहाँ पीट ले बा, ये तो तू अच्छी तरह से जाने ला। अमेरिका में सड़क के किनारे थूके ला तू, एक खातिर पुलिस तोके पकड़ के लेके जाले, वही खातिर यहाँ वक्त बाड़ा। यहाँ वाह हम ना आए, तू यहाँ वाह अपने विक के चिपकावा। अरे ये विक नहीं खे, ओरिजिनल खेती बा, चाहे तो खींच के देख ले। यहाँ वाह ये सब 1,000 करोड़ के मालिक बाड़े, लागत अधिकारी बाड़े, इन्हीं से हमने की माल मिले वाला बा। हाँ? यस ओके। शाक लागल का हमने ऐसे ही खेली ला, हमने अकेली रहली ना तो आपस में ऐसे ही नौटंकी खेल के टाइम पास करेली, यह तो प्यार बा। बड़ा मजा किया बाड़न। मामा जी ये हमारे बड़ी बुआ बाड़े, साक्षात महालक्ष्मी लागेली और ये बिल्कुल विष्णु जी समान, ये तो जूनियर महालक्ष्मी बा, ये शिव जी, पार्वती जी, जोर सा गणेश जी। राजा जी दिल बा मांगे ला गमछा हिलाई के, एकरा में घूमे वाली मोटर लगल बा। हम पड़ोस वाली महालक्ष्मी जी। ओ, महालक्ष्मी और विष्णु जी। नहीं अभी हमारे शादी नहीं के भइल। व्हाट? बट व्हाई? हमार कुंडली में दोष बाना, यही खातिर कोनो रिश्ता ही नहीं के आवा। ये धांधली बा, गेहूं में धांधली, चावल में धांधली, यही खातिर हमके इंडियन प्रोडक्ट देख के बहुत चिढ़ावेले। लेकिन तू वैसा नहीं बाड़ू, बिल्कुल ओरिजिनल बाड़ू, ओरिजिनल रंग, ओरिजिनल उम्र, ओरिजिनल मोटापा। पर कुंडली में तो लिखल बा कि हम बदकिस्मत हैं। नो, डोंट से लाइक दैट। कुंडली देख के जौन अंधविश्वासी तोके छोड़ गई वो बदकिस्मत बा। ओपन माइंड से तोके ओके बोले वाला आदमी ही किस्मत वाला होई। एक्सक्यूज मी, वो किस्मत वाला हम नहीं खे, हम ओकरा बारे में कहली जे अंधविश्वासी ना होई। नो ऐसा मत कहा जी, हमार 42 इयर्स के यंग दिल के राजा बड़ा जे हमरे कुंडली के गोली मारे वो राजकुमार। तू ही बड़ा हमार राजकुमार। कमाल के धड़कत बा। का चलत बा? तोहर बीवी बहुत खूबसूरत बा। ओही से त हम ओकरा से शादी कैली, लेकिन रउआ ओके कहाँ देखली? ई कहाँ से मिलल? कैमरा के कंप्यूटर से कनेक्ट करके निकलले है। ये है बा हमार वाइफ। हम किस सब पता बा, कहाँ खिचले बड़ा ये फोटो? एयरपोर्ट पर वो हमें छोड़े आयल रहल। अगर वो रउआ के छोड़े आयल रहनी तो फ्लाइट में कैसे? दरअसल ये कोनो और टूर का फोटो बा। ओ, अच्छा ओ, फोटो बा ना? अगर दूसरे दिन का फोटो बा तो सेम ड्रेस कैसे पहन ले बा? ओफ, तो तू ही बतावा। नहीं मालूम। हम के भी नहीं के मालूम। लड़की सुंदर बा, के भाई? हमने के होए वाली बहू, यही से शादी करे जात बा। हमने के धर्म में ऐसा रिलेशनशिप के जगह नहीं खे। कौन से धर्म बाबू? आनंद धर्म। का मामा, ये लोग रउआ से मजाक करत बड़न। संध्या वह लड़की बा 3 साल पहले जेकरा से हमार शादी भल रहा। जान बूझ के तू अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ले ले। हमार बात तो सुनी मामा। मामा गईल भाड़ में, शादी से जिंदगी के वाड़ लग जाले, यह कहले रहले तू, माया के तलाक दिलौले रहले तू, और ये कॉन्सेप्ट के बनौले रहले तू ही ना। बिमला के शिमला में शादी करवावे वाला तू, सोनाली का मनाली में शादी करवावे वाला तू, एकरा में हमार का गलती बा? चुपचाप मुंह बंद करके अपने दिमाग के ढक्कन खोला। ओ काबा की हमनी के नौटंकी चलत रहले, हमनी में प्यार भाला। हमरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। काबा ना की देखा मुन्ना, हम और चंदू कब्बो कब्बो ऐसा ही बात कर ले ली। अच्छा हमें लगा कौनो जोक में रहे थे। जाने लू हमरे लव का शुरुआत कैसे भाई? कैसे ओहिजा जब हम अकेले रहनी। अकेले कैसे? भाभी तो साथ में बाना। ओह शट अप, ए परेशान बुद्धू, एजा झूठ बोल बोल के अपन जान निकलत बा और तू पूछत जात बाड़े। चला बका। ए प्रसाद, ए रामचंद्र प्रसाद, कहा बे तो ही अमेरिका से ऐजा आइल बड़े। चेहरा तो यह बता रहा बा तो आर दादा और हम इतना उम्र से साथी आई, दोनों एक साथ पढ़ ली, साथ खेल ली। हाँ एकर किस्मत अच्छा रही, बड़ा आदमी बन गई। हमार किस्मत पॉलिटिक्स में भी ना चलल, पर ये गांव के सरपंच तो हम बन ही गली समझ ले। अरे हरा तुहार सबके सब प्रॉब्लम समझ ले खत्म हो गई। हम तो यह खातिर ऐजा आयल है की अगर तुहारी दादा अचानक ही लुढ़क गई, इतना बड़ा धंधा किए संभाली, हम तो ये सोच के परेशान रहनी काहे कि अगर दोनों दामाद न काम के बारे न काज के, आहा
इनका चेहरा तो देखो, ये दोनों गोबर गणेश बड़न। पर अपन दोस्त के प्रॉब्लम सॉल्व करे खातिर भगवान केहू के भेजले बड़न, और ऊ बा हमार होनहार बेटा। गबरू जवान है, हमार बेटा तोहार पोती से प्यार करेला और ओकरा से ब्याह करे खातिर लड़िकन जैसन जिद कइले बा। अरे बेटा काहे शर्मात बाड़ा, उ कहल जाला ना आई लव यू सब यू, उ कहल जाला ना फू वे फ्लाइंग किस, उ करो ना। भैया रामचंद्र, पिछला 25 साल से हमनी के एक दूसरा से लड़त है, कोर्ट में तोहरे खिलाफ हमार 30 केस तो पेंडिंग पड़ल बा, फिर भी हम रिश्ता लेके आयल है, ये सोचत बड़ा ना भूल जा। तू इस शादी के ओके बोला और सब केस खत्म। हम तो की सोच की बताई सरपंच, अब तू जा। अरे हमार बात समझा रहा, तो हर काम खत्म। चंदू एक बहरे छोड़ा। चल रे। देखा बाबू, ये घर में बैठ के कंप्यूटर पर काम करे वाला देश अमेरिका नहीं खे, इंडिया बा। एजा हर बात खातिर तैयार रहे के चाहिए, और फिर यहाँ गन्ना वाला ट्रक तो घूमत रहे ले, ड्राइवर के तो बस दारू चाहिए। केहू के 10,000 के लालच दे दा, वो कार में जा तो पूरा फैमिली पर ट्रक चढ़ा दे और भाग जाई। बहुत बुरा हुई ना बेटा, बात समझ में आई? अब यह बात अपना दादा के भेजा में घुसेड़। एकरी खुजली के इलाज कैसे खोजी? देखी जी, जौन तू समझत बाड़ू ना, वो तो हर ना समझी बा। हम अपने प्रेम के ना समझे के लिए के अपने समझदारी पर शक करे लागल हैं। हम का करी, हम कम पढ़ लिखल हैं ना। लागत बाब हमही के कुछ करे के पड़ी। देखी जी, तू हमके नहीं जाने लू, हमरे साथे डेली ढेर सारा लड़की गोल गोल घूमे ली। गर्लफ्रेंड्स के गिनती आसान नहीं खे, आकाश के तारा गिनल जा सकेला लेकिन ऊ नहीं। यस नो वैकेंसी हियर। रवा जितना भी छुपा ले पर झूठी बात रवा के चेहरा से छुपाते नहीं खे जी। ऐसा कह सकी ना? कुल दुनिया के लाइकन के छोड़ के तोहर हमरा से ही टकरायल। कुछ तक कहत बाना के ही जन्म जन्म के बंधन बा। ओ कम ऑन, नॉट अगेन। पारा होया चंद्रमुखी, फ्लैशबैक में चाहे कितना भी लड़की होके हम राउर पीछा न छोड़ब। राउर पास जैसन भी होके हम ही राउर फ्यूचर है। तू हमार दुल्हा, हम तोहर दुल्हन। कपार तक पहुंचे से पहले खुजली के हटावे के पड़ी। हेलो भैया, भाभी आइल बाड़ी। भाभी के तोहर बीवी बेटा। ओ यहां संध्या आ चुकल बा, जल्दी आ जाओ। ओ कोनो भी समय आवत होई। अरे तो आ गइल। ई लोग का कहत बाड़न के हम तोहर बीवी हैं। इंडिया में ऐसा नहीं बस संध्या, वाइफ के बीवी कहल जाला और हम के मामा बोलल जाला। और रउआ के अगर ई तोहर पति बा और एकर माई हमार बहन बा तो हम तोहर का लागब। लेकिन ये हमारे पति कैसे भइले? जैसे मामा छोट बाड़न हम लंबा बाड़ी, वैसे ही तू हमार बीवी बाड़ू, एमा गलत का बा? हम कुछ और कहत हैं, तू कुछ और कहत बाड़ा और ये कुछ। अच्छा बा, अब तक तू दोनों ही मजाक करत रहला, अब ये हो आ गइल बा। हमके कुछ समझ में नहीं। संध्या ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉमेडी बा, तू रूम में चला, हम तो के समझाइला। त एयरपोर्ट पर हमार फोटो देख के ऐसन कंफ्यूजन हो गई। लेकिन तू अचानक सरप्राइज एंट्री काहे कइली? तुहार आईपैड हमरे बैग में रह गइल रहल, तोके सरप्राइज करे आइल रहनी, पर यहाँ तो हम खुदे सरप्राइज हो गई ली। सॉरी टू बॉदर यू, अब हम चलते हैं। ना ना ना, तू ऐसे कैसे जा सके लू? चिंता मत करा, हम अपने साथ एक कार ले आई हैं। आई मीन हम ही लोगों के बता देले हैं कि तू ही हमार वाइफ बाड़ू। लेकिन काहे? तू कुछ भी कहा चंदू, हम ही नहीं करब। आई एम सॉरी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर तू अपन दादाजी खातिर और फैमिली खातिर इतना कंसर्न महसूस करेला, तब फूफा जी के भतीजे से शादी कर ला। ओह आई एम सो सॉरी, तुहार जिंदगी में अगर कौनो और लड़की बा त हमके ही नहीं कहे के चाहिए। संध्या तू तो हमरे दिल के बात छीन ले लू, हम तो खुदे बतावे वाला रहनी। अच्छा नाम का बा? हाँ ओकर नाम माया बा। हम दोनों एक दूसरे से 10 साल से प्यार करेला। कुछ अरसा पहले माया और हमने के बीच एक छोट सा गलत फहमी हो गई और हमने अलग हो गई। ओकरे जाए के बाद हमरा के लागल की हमार जिंदगी बहुत अधूरी बा ओकरे बिना। ये बात हम ओके फोन पर बतावे वाला रहने की खबर मिलल कि दादाजी का तबियत खराब बा, एक खातिर हम इंडिया आ गई ली। अमेरिका में पलल बड़ल होए के बावजूद हमार मेंटालिटी एकदम इंडियन जैसन बा। आई मीन प्यार के बंधन में बंधन रहल ही हमनी के जिंदगी बा। आई एम सॉरी चंदू, तुहार प्रॉब्लम हम समझ सकीला,
पर हमके अर्जेंटली यूएस जाए के बा और वो बच्चा लोग खातिर स्पॉन्सर ढूंढे के बा। 10 दिन के अंदर उनके यूएस भी पहुंचावे के बा। तू तो जनबे करेला कि उन्हीं के पास टाइम नहीं खे। देखा अगर ऐसा बात बता हम है ना हम स्पॉन्सर करब तोहरे वो ट्रिप का पूरा खर्चा हम उठाई देख ली हो। लेकिन ये खातिर नहीं कि तू हमारी मदद कर लू बल्कि जब हम वो बच्चा लोग के देख ली ना तब हम तय कर ले लेना। थैंक यू सो मच। संध्या खाली 3 दिन खातिर तू नाटक कर ले बुना तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वैसे भी एकरे बारे में केहू के पता ना चली प्लीज। तो ठीक बा हम तैयार हैं। साल जी अबा भैया हम रउआ के ही फोन करे जात रहनी। हम सोच ले ले हैं भैया कि हमके कैसन लड़का चाहिए। ओकर अच्छा फैमिली होवे के चाहिए और वो फैमिली खातिर वो कुछ कर गुजरे। ऐसन इंसान जो रिलेशनशिप के समझे और ओके जिंदगी भर सच्चे मन से निभाए। ओके तनी सा मिडिल क्लास मेंटालिटी होवे के चाहिए। मतलब प्यार में बंधे वाला एक ऐसा इंसान जे सेंटिमेंटल हो। ए, संध्या तू नींद में बाड़ू का या कोनो नॉवेल पढ़त बाड़ू? नो काहे? ऐसा इंसान तो सपना या फिर कहानी में ही मिल सकेला असल जिंदगी में नहीं। सच्चाई में जिया संध्या। बाय। ओके बाय। प्रसाद जी जब से वो राम सीता जी के मंदिर बनौले हैं वो मंदिर में राम सीता जी के साथी राउर परिवार में से केहू न करौलस। हो सके ता ए साल वो पूजा अपना पोता से। तू हर बार उहे बात दोहरावेला सीधे मतलब में काहे नहीं आवेला भाई। वो का बा रामचंद्र जी जब से रउआ वो मंदिर बनौले हैं वो मंदिर में राउर परिवार आज तक राम सीता के शादी कबो नहीं करवौलस तो ए साल रउआ अपने पोता से। यह तो हम कहत रही। तू हमरे बात दोहरावत बाड़ा। जो कहला वह कर पा। तोहरे पिता के मौत के बाद तोहार दादी घर से निकलल बंद कर देहली। कम से कम उनका ही मौका पर कुछ तक खुशी मिली। तू काहे नहीं करता जौने खातिर तू आइल बाड़ा। बेटा तोहरे पिता के मौत के बाद से तोहार दादी घर से निकलल बिल्कुल बंद कर देने बानी तो कम से कम ई राम नवमी पर उनके तनी खुशी तो मिली। इहो तो उहे कहत बड़न भैया। काहे नहीं तू जोन कहला वो करेक्ट बा। ई मन में ना करेला कि ई हाफ माइंड बा। तोहार ई बात भी 100% करेक्ट बा। बेटा ई कहलन इहो कहलन खास तौर पर हमहू कहली 3-3 लोग के बाद टालन नहीं जाला बेटा। ठीक है हमने के पास 1 महीना के टाइम बा तब तक हम अमेरिका से लौट आई। का भाई काल तक मनी ट्रांसफर हो जाए ना। हाँ पर एगो छोटन प्रॉब्लम हो गई बा। छोटा सा प्रॉब्लम तो हार खातिर छोटा सा प्रॉब्लम होई पर हमनी खातिर डायरेक्ट इतना बड़ा अमाउंट ट्रांसफर करे खातिर बैंक हमनी से कारण पूछेला काहे कि ट्रस्ट के पैसा बा। ए खातिर हमनी तोके ट्रस्ट के मेंबर बनावे खातिर सोचा थे। तहिमा सोचे के का बात बा मेंबर बना दी ना। दादाजी तोहर वाइफ के मेंबर बनावल चाहत बा। बनाई मेंबर वैसे भी आजकल वो एकर रियल वाइफ जैसे बा। तो ठीक बा तोहर मैरिज सर्टिफिकेट मिलते 24 घंटा के भीतर पैसा ट्रांसफर हो जाई। ई का बात भइल केहू अपन मैरिज सर्टिफिकेट जेब में लेके घूमे लगा। पहले तू प्रूफ करके दिखावा की शादी झूठी बा। तो एक काम करल जाए काल सवेरे हम लोग मंदिर चलल जाए संध्या से तुहार शादी करावल जाए और वरमाला पहना के मैरिज प्रूफ खाते दोनों के फोटो ले जाए। बेटा कम से कम यही वजह से हमने तुहार शादी देख ली। दादाजी संध्या से पूछे के तो पड़ी ना। हां पता नहीं हुई फोटो खाते दोबारा फिर से शादी करी या ना करी। हां हां सही कहा। हम जाके बतावत है दादाजी हम बात करी ला। हां ऑल द बेस्ट। संध्या एक बहुत अच्छी लड़की बा भगवान ओकरा के अपने सुख खातिर दुख नहीं पहुंचाई। ओ तू आ गई लो जल्दी से बैग उठावा और भागा यहाँ से। ऐसन का हो गई। अरे का बताई अब हमनी का शादी नहीं देखले बाड़न ना वही खातिर हमनी का शादी दोबारा करवाओ चाहत बाड़न। शादी यही खातिर तो कहते कि निकल ला सामान उठावा और भागा यहाँ से चला। ओके
हे भगवान, हमरे दादाजी के हार्ट अटैक और पैरालिसिस के अटैक से बचाइए प्लीज। का ये प्रॉब्लम इतना सीरियस बा? तो के हमार पत्नी के रूप में देखकर उनकर हेल्थ बेटर हो गई, अब पता चली तो उनकर हेल्थ खराब हो जाए ना। लेकिन ओकरे बारे में तू मत सोचा, जब हमनी का ड्रामा मामा जी उनके बता दी हमार कही ओकरे बारे में तू बिल्कुल टेंशन मत लिया। शादी तो बिल्कुल इम्पॉसिबल बाप, जल्दी से अपन सामान उठाओ और भागे यहाँ से। संध्या, हम ही इस शादी का जिद कैले रहनी। जब से हमार बेटा घर छोड़ के गई बा, इस घर में कोनो त्योहार नहीं के भाई। ये हमार आखिरी इच्छा ही समझ ला। कम से कम हम अपनी पोता की शादी तो देख ले। जैसन रहुआ कहीं। अरे तो के होका गेल बा, तू मान काहे गेलू? बच्चन के आखिरी इच्छा पूरा करे के अलावा हम उनकी जिंदगी ना ही दे सकीला। अगर हम उनकर ये इच्छा पूरा कर देब तो उनकर बाकी की जिंदगी खुशी से भर जाए, यही खातिर मान गई ली। का भाई? लागत बा फोन भुला गई नी, तनी आपन फोन दा। श्योर। थैंक यू। रोग मवाली कहीं के। आवा। हेलो। का भाई? फोन काहे के ले? हम नहीं, तू कहिला। बहुत बेचैन रहली ना हम। हमके का पड़ल बा जो तो के फोन करी हम। सुनो, तोरे खातिर एक लेटेस्ट न्यूज बा, 2 दिन में हमार प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ओह रियली? कौन बैंक लूटे जात बाड़े? तू तो चाहता है बाड़ा कि हम फसल ही रहे। एक बार हमके प्रॉब्लम से बाहर आ जाए तो फिर लाइफ लॉन्ग तो के फसाए रखेगा प्लान बा हमरे पास। तू हमार परछाई के भी ना छू सके। ये हमार देश नहीं बा। रहुआ कदम है हमार देश बा प्राणनाथ। हमार कौनो प्रॉपर्टी भी नहीं बा। हमार तो बा ना। हमार उम्र भी बहुत ज्यादा बा। हम कौनो बच्ची नहीं के। रहुआ सारी जिंदगी जोन खुशी बटोर ली है वो हमरे जैसन औरत से शादी करके कम तो ना होई ना। भले ही रहुआ हमरे से शादी नहीं के करल चाहे, पर हम तो रहुआ जैसनी जीवन साथी पावल चाहत है। बहुत अच्छा लागत बाड़ू। इहार तोरे खातिर बा, पहिन ले बेटी। पर एकर का जरूरत बा? हमनी के घर की परंपरा बा कि ई हार घर के बड़ी बहू के ही देवल जाला। ये हमके चंदू के माई के देवल के रहल, पर नाही दे पौली। अगर तू एके पहन लेबू तो हमरे दिल की इच्छा पूरी हो जाए। पहिन ले बेटी। के खुशी बा कि तू लोग 6 महीना बाद फिर से लौट आई बा, पर दुख ई बात के बा कि 6 महीना तक हमनी के तोहरा से दूर रहे की पड़ी। चिंता मत कर, 4 दिन में पैसा मिल जाए, नो प्रॉब्लम। कहली ना कोनो डाउट नहीं के। का भइल? हम खाली तोहरे वजह से हाँ ना ही कहली, हम सबके खुश देखल चाहत रहली। लेकिन उनकर प्यार देख के लागत बा कि कहीं ये गलत तो नहीं खे। अगर उनके ई पता चल गई कि हम उनकर असली बहू नहीं खी, तब उन्हें लोगन के ज्यादा तकलीफ हुई। हम कतराली नाम से शादी करवा था, पर तू लोग नहीं मिलना। अब हम जबरदस्ती शादी करके रह, तब तू लोगन के घमंड टूटी। भैया,
से कहते जल्दी पहुंचे अर्जेंट। डॉक्टर सर वो बहुत लकी बाड़ी, तनी लेट हो जाए तो जान खतरा रहा। उनका का भइल बा डॉक्टर? अपेंडिक्स। रउआ बताएं आखिर ऐसन कैसे हो सकेला डॉक्टर? मंदिर आवे तक तो वो बिल्कुल ठीक रहनी। ऐसे नहीं है, वो काल से ही पेट दर्द से परेशान रहली। वो दर्द के बर्दाश्त करत रहली ताकि फैमिली फंक्शन में कोनो प्रॉब्लम ना हो। एक इंसान इतना दर्द कैसे बर्दाश्त कर सकेला हमके नहीं पता। डोंट वरी, ऑपरेशन हो गई बा, अब ठीक है, 24 घंटा में डिस्चार्ज हो जाई है, नथिंग टू वरी। दैट्स ओके, बट इतना पेन, इतना घंटा तक काहे खातिर? तोहरे खातिर। वो तोसे बहुत प्यार करेली चंदू, उनके तोहर परवा बा, और तोहरे खुशी खातिर वो ज्यादा से ज्यादा समय तोहरे साथे बितावल चाहेली। तोहरे प्यार में वो दर्द सह गई नी। यू आर लकी, अच्छी किस्मत वालन के ही इतनी अच्छी फैमिली मिले ले, इनके कहियो मत छोड़ी हा चंदू। सॉरी बेटा, बहुत कोशिश करी पर दर्द बर्दाश्त नहीं हुए हमरे वजह से फंक्शन। ब्रह्मानंद हमनी के ऊपर जोन केस के लेवा हाई कोर्ट ओकरा पर विचार करत बा सर। ऊ का विचार करी, विचार करे लायक बा का, ऐसन केस के कोनो मतलब नहीं खे। रउआ चिंता मत करी सर, ई केस हमनी जीत जाए। कब जीत बा? हमरे मरले के बाद लोअर कोर्ट से फैसला आवे में 10 साल लग जाई, ओकरे बाद ऊ सुप्रीम कोर्ट में जाई। हम चाहत है कि हमरे जीते जी ई केस सॉल्व हो जाए। ओके बुलावा, ऊ जो चाहत हा सेटल करला। सर अगर हमनी ऐसे ही डेरा गेली तो हर कोई बात के फायदा उठा के धमकाई तो ये प्रॉब्लम कैसे सुलझाई है? पत्ता फेंक। अगर बादशाह मिले तो बात बने। अरे समर सिंह पत्ता उठाओ। चाचा बादशाह आ गई। अरे बादशाह आ गई तो खुश हो जो, डरात काहे बड़े। कुकुर के औलाद, वो दिन के सारा हिसाब आज ही पूरा करब। मारा एक रखे। Hey, look!
बेटा 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 ये हमारे इकलौता बेटा है, एकरा के मत मारा, हम तो राजा हाथ जोड़त है। खाली गन्ना के ट्रक वाले ही जान नहीं लेवेलेन, फैमिली के प्यार करे वाले भी तोहर जान ले सकेलेन। आइल बात समझ में? समझ गईली बेटा, काल भोरे हो सारा केस विड्रॉ करके ई गांव छोड़ के हम चल जाए। दादाजी के सहारा बनी फूफा जी, बोझ नहीं। अगर रउआ लोग सही होती ना तो हालत इतना बुरा नहीं होता। गीता दादाजी के सेक्रेटरी किरण से प्यार करे ले। किरण पढ़ल लिखल और अच्छी फैमिली से बा। हम सब इंक्वायरी कर ले ले हैं, अगर रउआ उससे बात करी है तो अच्छा रही। ठीक बा बेटा, हम परेशान रहने की केहू जिम्मेदारी लेवे खातिर तैयार नहीं के। तू लौट के आई हा, हमने के तोहरे अलावा और की बा बतावा। चंदू हाँ, हम तैयार हैं। हमार पोता अमेरिका जात बा और देखा जल्दी लौट के आई, आशीर्वाद दी कि खुशी से जाए और सफल लौट के आई। तुहार दादी की तबीयत तुहार वजह से ठीक भाई, रामनवमी के एक महीना रह गई बा, कोशिश करके जल्दी आ जाइया, दादी के अच्छा लगी। संध्या हमार बीवी नहीं खे दादाजी, हमार ओकरा से शादी कबो ना भाई। जितना रउआ सोचा थी उतना भला इंसान नहीं खी हम। रिलेशनशिप एक दर्द बा और पैसा ही सब कुछ बा, ऐसा सोचत रहली हम। हम इंडिया आयल हैं खाली दौलत के खातिर, हम केहू से भी आसानी से झूठ बोल देते रहनी, लेकिन जब हम रउआ जैसे भला आदमी से झूठ बोल ली तो हमरे दिल के बहुत तकलीफ भई। हम अपने आप के कहियो माफ नहीं कर पाए अगर अब सच नहीं बोली था। रिश्ता के ई छोट छोट लम्हा हमरा के ई सिखौलिस कि यही लम्हा से जिंदगी में बड़ी बड़ी खुशी मिले ले, यह तो हम नहीं जानत रानी। जब केहू सफलता पर आपके शाबाशी दे, जब केहू मुसीबत के पल में आके आपका हाथ पटावे, यह रिश्ता था असल में हमने का जिंदगी पा। शायद हम बता ना पाए दादाजी, हो सके तो हमरा के माफ कर दिया। हम तो के घर छोड़ बिल्कुल नहीं, तू दूसरी तरफ जात पाड़ा, इट्स ओके, हम चल जाए। Sorry.
कुछ लोग ऑफिस छोड़ के चल गए सर, जॉन बचल बड़न वो जॉब खोजत बड़न। केदारनाथ, आई एम सॉरी केदार, हम पहले तोरे जैसे और लोगों का नाम भुला जात रहनी, ये हमार गलती रही। तोहार बद्रीनाथ नाम हमारे दिमाग में फिट हो गया रहा। तू हार्ड वर्क है बाड़ा केदारनाथ, जितना मेहनत और लगन से तू काम करेला, आई लाइक इट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। कहाँ कहे थे आप, पैसा भी नहीं लिया वाला, खाली हाथ आ गईला, और वो फार्म हाउस के भी बेचत नहीं बाड़ा, आखिर तो के भइल का, पैसा आई कहाँ से? जब तक हम कुछ खोईला नहीं, उकर वैल्यू समझ में नहीं आवत। दादाजी के छोड़े के बाद उनकर वैल्यू पता चलल। मंगलसूत्र वापस भइले के बाद संध्या का वैल्यू समझ में आई। पहले वो फार्म हाउस एक प्रॉपर्टी होत रहल, पर अब उहमें हमार माई पापा सले, उनकर ढेर सारा याद पसल बा। हम उकरा के बेचल नहीं चाहते। तब भूल जाई, अब 10 दिन बाकी बा, रउआ हमके संध्या जी से कब मिलवावत हई? पहले हमें उकरा के सब सच्चाई बतावे के पड़ी, मनावे के पड़ी। वो हमरे झूठ पर कैसे रिएक्ट करी, यह सोच के परेशान है। आई एम कम्प्लीटली इन लव विथ हर। ओह, एक्सक्यूज मी, पता नहीं हम ओके कैसे मनाए। का बात बा, फोन पर तो बड़बड़ बात करे ले। बड़ लोगन ही बड़ी बात करे लेन, कैच यू लेटर। काहे का भाई, अचानक हमके सामने देख के नानी याद आ गईल। नानी ओकरा के याद आवेले जकरा के खुद पे भरोसा ना हो। औकात से बाहरे मत जा। जीबा ए, औकात ता हम दिखाई तोके, जब तू जेल में बैठ के चक्की पिसबे, अपनी वकील के भी जेल लाइफ के आदत डाले के कह दे, दोनों वही जैसा सड़बा। अरे करके तो हम छोड़त नहीं। हाथी के पीछे कुकुर भौंक है ना, तो इसे फर्क ना पड़ेगा। भौंकत बात भौंकत है, भौंक रे भौंक। आप तो एकदम बदल गई नी, पहले आपके गुस्सा हम रोकत रहनी, अब हमार गुस्सा रउआ रोकत है। हेलो। का होत बा, बीवी के एयरपोर्ट पर छोड़कर बुला गईला, पता भी नहीं कहिला कि वो घर पहुंचल के नहीं, एक बार फोन तक कर सकत रहला ना। ए, आई एम सॉरी, हमें लागल तू बहुत बिजी हो। कल फ्री बाड़ा का? हाँ, काहे? एक साथ ही लंच करल जाए। काहे नहीं, हमसे कोनो काम बाका? बिना काम के नहीं मिल सकीला का। हमके तो लागत बा उहो तो से प्यार करेली। नहीं नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं के। अगर प्यार के चक्कर में रउआ पड़ सकेली तो उ काहे नहीं। हे भरत, अब वक्त आ गईल बा कि हम सब सच बता दी, कुछ भी नहीं छिपाई। दैट्स इट। सुना, वो आ चुकल बा। बाय। संध्या, एक्चुअली एक्सक्यूज मी, तू ही संध्या वाड़ू? बतावा, तू हमके इतना बार फोन करके एजा काहे बुलावलू? हाँ, गुस्सा में तू दोनों के बीच लड़ाई हो गई रहल, लेकिन एक ही बात के बहुत अफसोस बा। ही लव्स यू सो मच, ई कहीं भी रहल हर वक्त खाली तोरे बारे में सोचत रहल। इंडिया में आपन सारी प्रॉपर्टी छोड़ के तोहरे खातिर वापस आईल बा। तू बहुत लकी बाड़ू कि चंदू तोके इतना प्यार करेला। काश हमरो इतना अच्छा नसीब हो। तू केकरा बारे में बात करत बाड़ू? ये प्यार करेला तो तू एकरा के भी अपना जाल में फंसा लेला। एकरा खातिर लड़की खाली खिलौना बा, और प्यार खाली एगो खेल बा। ये खाली मतलब खातिर रिश्ता बनावेला। एकरा के तो एम्प्लॉय के नाम तक याद नहीं खे। ये का के उससे प्यार करी, लेकिन 10 साल बाद कौन प्रेमिका के शरीर पर कितना दिल बा, ये एकरा के अच्छी तरह याद बा। अगर एकरा के जरूरत हुई तो आधी रात के भी फोन करके बुला ले, और जब काम निकल जाए तो हमनी के फोन भी ना उठाई। गर्लफ्रेंड के तो कपड़ा जैसा समझेला, पुराना भइल नहीं कि बदलता, यह एकर फिलोसफी बा। लाइफ एंजॉय करे खातिर बा, रिश्ता बेवकूफ लोगन खातिर बा, पंछी जैसा उड़ा, कौन
कोनो बंधन कोनो जंजीर नहीं। ये एगो ऐसा सयाना आदमी बा जेकरा के खाली इस्तेमाल करके फेंके आवेला। हमार बात माना, ऐसे दूर रहे में तोहर भलाई बा। जब एकर बर्बादी हुई तब जाके हमें चैन मिली। संध्या प्लीज रुक जा। लड़की खातिर प्यार की अहमियत काबा का तू कहियो ए बारे में सोचला? हमके लागल प्यार तोहरे खातिर अनमोल होई। जौन रिश्ता तोहरे अबही मिलल बा ओकरे खातिर तू अपन जान तक लगा देबा। लेकिन हम कितना गलत रहली। आई हेट यू, आई हेट यू। संध्या बेटी, संध्या, संध्या, बेटी संध्या। हेलो, हाँ हाँ बोला, हाँ हाँ अभी पहुँच ली, आओ आई जबा, हाँ हाँ बात करा, लो बात करो ओकरा से। लेकिन हम, हेलो। कैसन बाड़ा बेटा, संध्या ठीक बाना? हम बतावे के जरूरी नहीं समझ ली तू हमनी के रिश्ता के लाज रख लेला, वही खातिर ता सब सच बता देला, वरना तू हमनी के धोखा दे के उस सारा पैसा लेके भाग सकत रहला। हमके माफ कर दादाजी। जब तू दादाजी के घर माफी मंगला तब भय हमके लागल कि तू हमनी के दिल से अपना ले ले पड़ा। संध्या से मिलके ही हम इस जिंदगी, ये रिश्ता और राउर के प्यार के समझ पाईली। अगर संध्या ही हमसे नफरत करी तो हम कहाँ जाए दादाजी? हमके ना ही पता रहल कि प्यार के अहमियत का बा। ओकर एहसास हमके संध्या से मिलके भइल। अगर वो हमरे साथे रही तो हम सब कुछ हासिल कर लेब। पता नहीं हम ओकरा के कैसे मनाई दादाजी। ओकरा के अपन प्यार के एहसास करा। अगर दोनों में कोनो समस्या आ गई और तू दुखी होके ओकरा से भागे लगबा तो समस्या के समाधान नहीं हुई। तोहार पिताजी हमार जिद के वजह से नहीं लौटलन। ओकरा दूर जाए से हम बहुत दुखी रहली, पर पास जाए के कहियो कोशिश भी नहीं कहली। हम तोहार माई से इंडिया चले खातिर कहली लेकिन वो नहीं मनलस। अगर हम एक दो बार और कोशिश कहली होती तो तोहार माई जरूर मान गई होत। आपन अहंकार से हटके ये समझाओ कि सबकर अहमियत तोहरे खातिर का बा तो वो मना कर दे ऐसन हो ही ना सकत। वो गलती मत करा जोन हम कहले रहेंगे। वो तोहार अतीत से नफरत करे लेना। तू यकीन दियावा कि तू आज का बाड़ा। अगर ओकरा यकीन हो गई तो जरूर मानी। हम तो के ये बतावे आयल रहेंगी राम जी के मंदिर में जेकर भी शादी भइल वो कभी भी ना टूटल। राम नवमी के आवे में अभी ही 15 दिन बाकी बा तो के संध्या के साथे आवे के हुई। संध्या से दूर रह के कोनो हल नहीं निकली। तू प्यार से मनावा, वो समझदार बा, समझ जाए। ओकरा के यकीन दियावा कि तू आज का बाड़ा। अगर ओकरा यकीन हो गई तो जरूर मान जाए। I'm trying to get sponsor. Hi, hi. हाय संध्या, दो दिन से कहाँ रहलू? फोन के जवाब भी नहीं देलू। बच्चा लोग इंडिया से आई ने कि ना? स्पॉन्सर खातिर ट्राई करत रहली। डोंट वरी, स्पॉन्सर मिल गई। दो दिन पहले ही हमसे मिले आइल रहे। पैसा भी ट्रांसफर हो गई, पर ओकर एक शर्त बा। उ टूर पे बच्चा लोगन के साथ रही। हमके बात अच्छी लागल यही खातिर ओके बोल दिली। हाँ ठीक बा, अंदर भेज दा।
यू वेरी मच सर। यू वेलकम। अभी बच्चा लोगन का आखिरी इच्छा पूरी हो जाई। हमनी बहुत किस्मत वाला है जे हमनी के बड़ा स्पॉन्सर मिलल। इट्स ऑल राइट। आखिरी वक्त पे रउआ के मदद बच्चा लोगन खातिर वरदान बा। बाय द वे ई संध्या बाड़ी। हाय। हाय। सच्चू? हेलो संध्या। बच्चा पार्टी चलल जाए। डॉक्टर अंकल अभी तक नहीं आयलन। डॉक्टर? हम है डॉक्टर कामराज, मंत्री जी रेकमेंड कइले बाड़न। अरे वाह, हमरे जीवन में फर्स्ट टाइम शादी खातिर कोनो मंत्री के दबाव आइल बा। हम ई कैसे भूल सकेला? तू भुलाया मत भुला, हमार फोन काहे ना उठावे लो? उठाई ले तो। हम 8 लड़की के लिस्ट सिलेक्ट कइले रहनी। ओकर का भाई? रहुआ तो उनके सिलेक्ट कइनी, बाकी ओ लोग रिजेक्ट कर देहनी। का कहलू? रिजेक्ट कर देहनी? हमसे बेटर कैंडिडेट मिल गइल का? नहीं डार्लिंग, ऐसन बात ओनहिन के शादी ना करे दे। ऊ कहनी कोनो बुढ़वा से शादी करे के बजाय मर जाइले ठीक बा, ओकरा में हम का करी? तू बतावलू कि मंत्री जी कहले रहले? एमे मंत्री जी का करी बकलोल, शादी तोरा करे के बा कि मंत्री जी के? एक बात समझ ला, 24 घंटे में हमरे खातिर लड़की ढूंढ निकाला, वरना अपन सब पेशेंट तोहरे पास भेज दे, तोहरे मैरिज ब्यूरो के हॉस्पिटल बना दे। समझ गइलू ना? का करी, हमरे जैसन दूल्हा कहां मिली? हमार वैल्यू ही नहीं खे। संध्या, ओ कम लागत बा एकरा की कतो देखले हैं। हेलो डार्लिंग, बताई का रउवा की विंडो चली है? हमके विंडो नहीं चाहिए, ओकरा में से हवा आवेला। हमके विंडो नहीं चाहिए, हमके फर्स्ट रो के कुर्सी चाहिए। विंडो नहीं डार्लिंग, हम विंडो के बात करत हैं। ए उम्र में कुंवारी लड़की मिलत तनी मुश्किल बना, समझा कर ना डार्लिंग। अरे तू हमार बात समझते ना बाड़ू, हमके जाड़ा लागेला, हम ये विंडो सीट का करब, हम फर्स्ट रो लेब। ये बुढ़वा के तो जवानी चढ़ल बा। बुढ़वा के बोलू? हम सब सुनत है, बुढ़वा हो तोर बाप? हाँ हाँ, हमार बाप तो बुढ़वा ही बाप। तो होबे करी, तू खाली ऊ करा जो हम कहत। सुनी सुनी, वो औरत विंडो नहीं विडो कहत हो, यानी विधवा। सुन ले ले सब बातचीत, तू सुन ले लू ना। हमके विडो नहीं चाहिए, हमके कुवारी वधू चाहिए। आई वांट फ्रेश कैंडिडेट। ठीक बा, खोज दे। ओया मान, ओया मान। रवा की शादी हो गई? अब है नहीं। सोच समझ के शादी करिया, औरत बहुत खतरनाक होएली। ओहो हो। ना हमके गलत मत समझिया, हम तोके ना कहली। ई देखी, एक ही कहत कहली। ई चेहरा देख के केहू शक कर सकेला? जब से ऐसे हमार शादी भइल बा, ई हमरे रिश्ता के बैंक समझ ले ले बा। 5 महीने में डिवोर्स लेके 5 करोड़ के साथ फरार हो गई बा। ये मामूली लड़की नहीं है सर, एक एक कहल जा खिलाड़ी सर। एक पीछे जरूर कोई होई जे हमनी के नचावत बा ससुरा के। फिर रउआ ओकरा के काहे छोड़ देली? हम जानत नहीं रहली ना, अगर मिल गेल त ओकर गलत छील के सारा खून गट गट पी जाइब। इहे सही रही। रउआ लोग ओहिजा बैठ जाई, हम आवत ही। ठीक से बैठ जा। थैंक यू बेटा। का लव प्रॉब्लम बा? लव प्रॉब्लम? लव प्रॉब्लम भाई? हां लव के प्रॉब्लम बा का? का कहला? ऐसन का भइल? जब ही सोवत रहल त हम एकरे गाल पर किस कर देली। अच्छा, इन छूटत समय मैडम के गाल पे किस कर ले रहना? ओ, मैडम के गाल पे किस कर ले रहलन? हाँ, गाल पे किस कर ले रहलन का? पागल बाड़ा, बच्चन लोगन से ऐसन बात करल जाला? अरे दीदी, ई त मामूली बात बा। तू चुप रहा, तू कुछ भी नहीं जानेला। हम सब जानेला, हमाओ प्यार में फेल भलाई। ऐसे जस रउआ कहाँ चल गइल रहनी? काहे का भाई, हमेशा हमनी के साथ रहल करा। लेकिन काहे? काहे के रउआ बहुत अच्छा है। रियली? एक्चुअली जब रउआ हमनी के फोटो दिखौली, हम रउआ के सीधे कैसे बताई? रउआ खुद समझ जाई ना। हाय हैंडसम, हाय। तू कौने देश से बाड़ा?
का भइल? नो इट्स हॉलिडे। एही से घूमत बाड़ा का? यस नो 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 गुड नाइट पास करा। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। आओ वाटर। हाय। हे हैंडसम। ऑल वेल? सब ठीक बाना? बढ़िया लागत बाड़ा। नो प्रॉब्लम। एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल। आ आ आ आ बाथरूम बाथरूम बाथरूम। कावेरी, एस्ट्रोनॉट के जीरो ग्रेविटी में तोहार उड़े का इच्छा रहल ना? ला पूरा हो गई। अब तो के पता चली मारा एकरा के। ओ कम ऑन कम ऑन हिट मी हिट मी कम कम। काहे तू साथे काहे आईला? का करी हम खुद के प्रोग्राम से जुड़े से रोक नहीं पाई। हम बाकी लोग जैसन बेवकूफ नहीं है जो तुहार ड्रामा के झांसा में आ जाई। ई का कहत बाड़ू संध्या? आहा हा, इतना भोला मत बना। तू स्पॉन्सर काहे कैला हम जानत है। हम पहले बहुत गलत रहली पर अब हम बदल गए हैं। आपन मोहब्बत का इजहार करे खातिर ही हम ई प्रोग्राम से। झूठ। तू कहला की तू हमसे मोहब्बत करेला, काम निकलते ही हमके भी छोड़ देबा। वैसे ही तू दादाजी के साथे भी कैले रहला। तोहरी नस नस से हम वाकिफ हैं। तू धोखेबाज बाड़ा। इनके मिलावे खातिर ना स्वयं भगवान के ही आवे के पड़ी। भगवान के का जरूरत बा? उनका मिलावे खातिर मैरिज काउंसलर के तरह हम हैं नहीं जा। हेलो कामराज बोलत हई। मंत्री जी याद बा ना तोहार 10 दिन की छुट्टी? ई मेहरबानी काहे डाले? इहा एक लड़की मिलल बा जे हमार प्यार में डूब गई। ओ बेचारी तो डूब के मर ही जाई। ओ बेचारी नहीं के तू बेचारी बाड़ू डूब मरा। आई आई व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हनीमून पर भी बच्चा लोग के ले जेबू का? एक संध्या वादा भुला गेलू? तू तो कहले रहलू कि 6 महीना तक कुछ काम ना करबू और हमके दादा बने के खुशी देबू। ई सच बा? My love is gone.
हेलो। ये दुनिया कितना छोटवा भाभी, जॉन फाउंडेशन में हम 10 साल से हैं, ओइजा संध्या वॉलंटियर बारी और अपने पति के साथ एजा काम पर आइल बारी। सच्चो? और नहीं तका, एक मिनट ली संध्या से बात करी। कैसन बाड़ू बेटी? ठीक है। तो हर फोन बंद रहल त चंदू बतौलस की, तू जहाँ पर रहलू ओइजा नेटवर्क ही नहीं मिलल। ओके आंटी, रखा था। और कितना दिन धोखा देबा? अब यहाँ का बैठा तू? अपने पति के बगल में बैठा हनीमून पर आयल बाड़ू ना? ऐसन नहीं खे। ऐसन का नहीं खे? हम तनी बहरे का गईली, तू प्लानिंग बना ले लू, फरेब करके दिल में उतर गईलू और फिर हमरे दिल के चीर के वो गुंडा के साथे जाके मिल गईलू। हाँ, हमार दिल दिल बा यार, कोरा शीशा नहीं खे जे तू तोड़ देलू। बतावा का तू सही कहलू? कामराज जी, हमके एक बात बतावे के बा। अब का? राउर जिंदगी से खेले वाली वो माया के कोच ई चंदुई बा। एक्चुअली हमार शादी शादी ना ही रहल, वो एक ड्रामा रहल। तू चुप रहा, हम सब कुछ समझ गई नी। तुहारी झूठ मूठ के पति से हम आज बदला लेके रहब। हमनी एहिजा काहे आइल हई, ई होटल त नइखे। रिश्तेदार लोग के का होटल में ठहरे देती, आज होली बा, पहले वो मनावल जाई। चलो होली मनावल जाई। स्टॉप देयर। तू अकेले प्रोग्राम नहीं बना सकेला, ना तू गॉडफादर बड़ा, ना ही हम गधा। चाहे होली खेला या गोली, हमके एक रस कहना मतलब नहीं है। अगर खुद के बीवी भाग गई तो वह फ्रस्ट्रेशन में ही हमने के प्यार के तोड़े पे तुलल बा। संध्या से हमार छोट सा प्रॉब्लम हो गई, तई ओकर फायदा उठावे चाहत बा। अरे दीपू। दद्दू जी, इनका तनी होटल में छोड़ावा। ठीक बा। मिस्टर भगवान दास, होटल हम अकेले नहीं जाए, संध्या भी हमारे साथ जाए। तोहरा दिमाग में चारा हिना गोबर भरल बगधा। मियां बीवी के अलग कहे कई चाहत बड़ा कुकुर। हाथी जैसन कपार में चीटी के दिमाग बखा हुआ, मुंह में नकली दांत बा, कुछ तो शर्म कर बुढ़ऊ। अपने जबान के लगाम दे, आई एम डॉक्टर यू नो। डॉक्टर बड़े तू? अपन शक्ल देखले बारे, कोनो रेस्टोरेंट के वेटर जैसन टोपी पहन के रखले बारे, सड़ गई लाम के गुठली जैसन चेहरा बा, बूढ़ तू बारे ही साथ में ठरकी भी बारे। अपन हरकत बंद कर, ना तो होटल ना हॉस्पिटल भेज दे। संध्या आजा बेटा। हम तो जानत भी ना रहली कि तू लोग एक जगह काम कर लेता, हम प्लान कैसे बनवती? जब हम होटल जाए के सोचत रहनी तो वहाँ चुप रहे के बजाय हमनी के सपोर्ट करे के चाहत रहल ना। बदबू की दुकान हमके गाली देत रहल और हसत रहल। तोहार विश्वास प्यार हमके रोक लहिलस, नहीं ते हम ओके मार देती ऑन द स्पॉट। कामराज हमी जानत हई। थैंक यू अंकल। रूम ठीक ठाक बाना? वैसे नहीं खे, कंफर्टेबल तो नहीं खे। एक काम कर, बेड बाहरे फेंक, बाथरूम के किनारे खिसका दे, रूम के सब दीवार तोड़ के ओकरा के 10 फुट चौड़ा कर दे और नौटंकी वालन को बुला के नाच कराओ। ये कौनो ताजमहल होटल नहीं खे जहाँ आराम मिली। चल जो यहाँ से। जा संध्या, एकरा से बात करके कोनो फायदा नहीं है। केहू बड़ा से मिलल जाए, बात बतावल जाए, फिर चली। कुछ भी करा, यहाँ से होटल तक जाए के ही बा। कामराज जी। यस। हमें रउआ से एगो बात करे के बा। टेल मी। रउआ शादी से पहले हम माया से कहियो नहीं मिली, लेकिन मतलब तू मुर्गी नहीं मरला, हमके लागल तू ही मरले बाड़ा। माया मुर्गी थोड़ी बा। तू के बाड़ा हमके समझावे वाला? अब माया मुर्गी बा या मुर्गा, उसे तोहके का मतलब? अब हम मुर्गा के मालिक से तो हर पोल खोल के तोहरा बैंड बजवाइला। कमरा जी नो, हमार बात तो सुनी। नो, हमार बात तो सुनी सर। जब केहू की ना सुनी। हाँ, ये बात हमरे दादाजी से मत कहिए प्लीज। दादाजी? सर रहुआ कमरा में मत जाइए प्लीज। दादाजी, 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 कहिए मत सर। आप तो गए ले। नहीं नहीं दादाजी। दादा, ए कैसन बेकुबाई दादा करत बा? अबे अंधे, एक कुकुर नहीं भूत आदमी बा, एके चबाई में बजाई। पापा, जब हमनी काटी ला तो पेट पे इंजेक्शन लागेला, जब हमनी पेट पे काटल जाई तो इंजेक्शन कहाँ लागी? एके छोड़ब नहीं, ई देखे में भी धर्मेंद्र जैसन बा।
ये फिल्म में हमनी के बहुत खून पीले बा, अब हमनी एकर खून पियब। हमनी के बंद करके ये सब इंसान खुद होली का मजा लेवत बाड़न, अब लागत बा हमनी खातिर ई ससुरा के भेजले बाड़न। आते ही बहुत दादा करत रहा, तू वहाँ से जा, हम यहाँ से दे, तो चला सब मिलके दे ही। होटल जाए के बजाय होली खेले में बिजी हो गईला। ओकरा के होली मत कहो, डॉगी कहा। इंसान खेलेला होली, डॉग्स खेलेला गोली। ई कैसे भइल? हर डॉगी का एक दिन होला। ई मोहल्ला के सब कुकुर के दिन आज ही रहल। सब कुकुर के आज के दिन बड़ी दावत रहल। आज चंदू हमके मारे के प्लान बनावले रहल। बाल बाल बच गईली। आज रात उ मरी। सब कुछ खत्म हो जाए के बाद का फायदा? हमार ईगो हर्ट भइल बा। ईगो इस टेररिस्ट से ज्यादा खतरनाक होला। ऐसन का करबा? वो तू देख ना सकेलू, जोन हम करे जात है वो हमसे चोट खा के बीच से हट जाई। फिर देखिया तू, हम दू हमनी के सौ या उकरा में खतरा। हमार चिंता तो मत करा, तू सिर दर्द का बहाना बना ला। वो बच्चा लोगन के साथ सुत जाए। जैसी वो बच्चा लोगन के कमरे में जाए, वहाँ बच्चा लोगन नहीं मिले, मिली ओकर डेथ, ओकर मौत। काल हमनी कितना बजे निकलब? 8 बजे। हमार सर बहुत दुखात बा, आज तू बच्चा लोग के साथ ही सुत जाइया। हम सुत जाई? हर किस्मत हमारे हाथ में बा। झूमर के नीचे मरे मनहूस और कामराज हुई खुश। और बताओ सिग्नल मिलल का? सिग्नल? अरे बुद्धू, बच्चा लोग के कमरा में भेजे के मतलब रहे कि जब वो अकेले होके तब ओकर कमरा में जा। डेफिनेटली ओकर ही मतलब नहीं। अरे बाबा, तो हर जनरेशन के ये तो प्रॉब्लम बा, काम के सिंपल करे के बजाय और कठिन कर दे वाला। चलो उठा, चलो। अरे चला ना, चलो कमरा में जा बाबा, चला। काहे आइल बाड़ा? कपार में दर्द रहल ना बेटी, यही खातिर ही बाम देवे आइल बा। तलियावा? इतना दूर से कैसे लगे बा? जा अंदर जा। ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट बुद्धू, ऑल द बेस्ट। रुका, बस 10 मिनट में चल जाए। काहे चाहिए 10 मिनट? हम तोहके खूब समझीला। तनी वक्त दे, हम चल जाए। बेवकूफ बनावल छोड़ा और बहरे जा। ए, इका बा? पेपर स्प्रे आंख में जाई, दा आंख जल जाई। जानीला का करे वाला बड़ू? ए, बता ए, संध्या जल जाई। अरे रुका 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 संध्या। बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा ही होत बा। अब तो हर का जरूरत है। तू तो पलंग तोड़ काम के लिए बड़ा थोड़ी के नहीं। गिर गिर। ओके अंकल। अरे रुक 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 रुक। थैंक गॉड, टूटल फूटल नहीं के खाली खरो चल बा। आई आई। अरे इनकर हम सब टेस्ट कर चुकल बनी, ई देखी बड़ा काम की चीज रहल, अब बेकार हो गई।
हाँ लेकिन अब एकर का पोजीशन बा अब का है रुवत बाड़ा एक प्लान भी ठीक से नहीं बना सकेला हमार गलती रहल जे तो पे यकीन कहली आवा आवा तोरे इंतजार करत रहन ई शरद बाड़न हमार ममेरा भाई हाय इहो हमनी के फाउंडेशन खातिर वॉलंटियर के काम करेलन ई ट्रिप में तोरा साथे शरद रही है ओके माफ करियो पहाड़ पे टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड बा 10 साल से छोट लेकिन का अलाउ ना करो सर हमार बात सुनी हम मेक अ विश फाउंडेशन से एहिजा आयल हई उ बच्चा के लास्ट विश बा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड आप हूं समझे का कोशिश करी मैडम वहां का मौसम छोट बच्चन खातिर खतरनाक बा ओजन लेकिन का जान का खतरा हो सकेला सॉरी नो प्रॉब्लम हमरे पास एगो रास्ता बा मौका लगते ही ऊपर चलल जाई पर एक शर्त बा आज शाम का डिनर तू खियेबू का एकरा में भी सर कैसन इंसान बाड़ा इस सिचुएशन में भी इंसान ही यही खातिर मोटिवेशन चाहिला भाड़ में जा अरे डिनर कदे छोड़ा बच्चन खातिर हम तो भाड़ में भी जा सकेला ठीक बा पर डिनर पर अकेले आईबू व्हाट नहीं आई तो भूल जा दीदी प्लीज मान जाना मान जाना दीदी प्लीज मान जाना ठीक बा ओके बस 5 मिनट रुका हेलो जेसिका हाय तू हमारा नाम कैसे जाने अरे यहाँ पर लिखल बा ना एक बात बताई जब हम पहली बार तोके देखली तो हमके लागल तू ही हमरे दिल का रानी बाड़ू आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ योर आईज ई तोरे खातिर आम बात हुई पर यह सच बा तोहर आंख देख के लागल कि हमने के बीच कुछ हो रहल बा का हमके ऑफिसर से मिलवा सकेलो कम ऑन अब तू लोगन जा सकेला थैंक यू जेसिका यू आर द बेस्ट कम ऑन गाइस चलो उठा हे यहाँ माउंटेन पे काहे आइला एकरा बारे में तो के बतौले मामा बतौले अंकल एकर पापा एक पर्वतारोही रहलन अंकल ए पहाड़ पर आइलन और गायब हो गइलन फिर नाही लौटलन तब तीनों 4 साल के रहल अंकल हमार पापा पहाड़ के बादल में बाड़े अंकल सही में अंकल मामा बतौले हाँ तब तो सही है हो यह है वो जगह बा जहाँ इनकर पापा गुम भइल रहने थैंक्स माय फ्रेंड ठीक बा हम जाते ओही जे ऊ जगह ओही जे तोर पापा रह ले ना देखा ऊ वाला बादल बाना ऊ ओही जे रह ले हमसे ये देखने नहीं खींचा था अंकल हम ज्यादा दिन नहीं जिए
आपके कारण आज हम बहुत खुश हैं अंकल। आप बहुत अच्छा बाड़ा। थैंक यू अंकल, यू आर सो स्वीट। राहुल की मदद के बिना हम पापा से कब्बो नहीं मिल पाएंगे। तू डिनर पर आई लू। थैंक्स संध्या, आई एम वेरी हैप्पी। कुछ ऑर्डर करे ना संध्या, प्लीज। खुद ही ऑर्डर कर ला और हम के ही पचड़ा से दूर रखा। कम ऑन संध्या, जॉन भी ऑर्डर करबू, हम वो खाई ले। कहीं जा चिली फ्राई मिल सकेला? यस मैम। ओके, आई वांटेड विद नागा फाइबर चिलीज, साथ में हरी मिर्च और ढेर सारा काली मिर्च डाल दी है। ओके हाँ। ओके मैम, थैंक यू। खाना का मजा लेंगे। खा। पागल हो गई बाड़ा का, और खाइबा तो मर जाइबा। ही मछरी जैसन हमहू ऐसन लाइफ ना सोच ले रही संध्या। हालात रहल जो ना ऐसन लाइफ में धकेल देहलेस। तो उसे मिलने के बाद है हम रिश्ता नाता और प्यार का मतलब समझ पैली। तो उसे मिले से पहले और अभी में काफी अंतर बा। Happy birthday to you. Happy birthday to you, Sandhya. रउआ लोग यही जा। देखा संध्या, हम कब्बो तोहार बर्थडे मिस नहीं के कहले। ई बार कैसे मिस कर देती, यही खातिर ई प्लान बनवली। हैप्पी ई एजा का करत बा? तोके नहीं के पता संध्या एजा अपन पति के साथ आयल बा। पति? संध्या की ई रोग हमार बहन के पति? संध्या तोहार भैया तो बहुत अच्छा मजाक करल। कैसन बात करत बड़ा, ई हो ये ना सकत। हमार बहन के शादी अभी नहीं भइल। का गलत इस सच बोलत बड़न का? जवाब दा। सर लिसन टू मी, एकरा में इनकर कोनो गलती नहीं है सर। हम अपने फायदा खातिर इनसे झूठ बोलवाएंगे। जब हम कहली तब तू मल्लू नहीं, खुद के ख्याल रख सकेलू ऐसन कहलू? ऐसन का बायकरा में और का जाने लू तू एकरा बारे में? हाँ, लड़की खिलवाड़ बायकरा खातिर मौका के फायदा और पैसा, यह जिंदगी बायकर। बस बहुत हो चुका, लेट्स मूव। चला जैसे चला। एक्सक्यूज मी सर, वन मिनट। यू जस्ट शट अप। कम संध्या, बस किशोर का विश पूरी हो जाए फिर तू चल जाइया। भले ही हम तुझसे कितनों प्यार करीला पर तब तक न हम तोरे पास आए और न हम तुझसे बात करब। इकरा में कुछ भी झूठ नहीं खे। पहले हमके ई लागत रहे कि जिंदगी खाली पावे के नाम बा, पर अब जनली की जिंदगी तो देवे के नाम बा। टीनू के खुशी देके हम इतना तो समझ गए ली कि अपन जीवन तो दूसरे खातिर बा। संध्या प्लीज, एकर लास्ट विश पूरी होए था। ये पूरा टूर में तुसे बातचीत तो दूर, तुसे नजर तक नहीं मिलाई। तनी समझावा इनका रखे। संध्या भैया, भगवान हमनी के शक्ति और समय देले बाड़न के हम जीवन खुशी से जी सकी, पर इन्हीं के पास ई चांस नहीं खे। हम जानत हैं कि हम जिद करत हैं। पहले भी हम आपके कहल बात ना ही मन ली, पर इकरा बाद हम राउर कौनो बात ना ही टालब। प्रॉमिस बा भैया, बस ई काम हो जाए दी। ला हमनी पहुंच गए नी, ये एडवेंचर लैंड बा। तू यह चाहत रहला ना, यहाँ सब गेम बा जौन चाहे खेला। पर पुलिस कहाँ बा? पुलिस काहे खातिर?
पुलिस ही तो हमार पीछा करी। यहाँ ऐसा नहीं होएला। काहे नहीं अंकल, जब पुलिस हमार पीछा करी तभी तो गेम शुरू हुई। अरे यह तो हम कहत है अंकल, रउवा समझते नहीं की हम की यह चाहिए ये गेम के जैसन। वीडियो गेम बा बेटा, हमके ई है चाहिए, ई है एही खातिर तो आइल है। पटा का अपहरण करत बा। कैसन रहल गेम? बाल मजा पकड़ा पकड़ी। अरे पकड़ पकड़ पुलिस 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 चोर पुलिस जल भागा। गरम हाथ एकदम टाइट पकड़ के रखा। हमनी मेक अ विश फाउंडेशन से आई ली। वो आदमी वो लड़का के आखिरी इच्छा पूरा करत बा। गोली मत चला, यो किडनैपर ना बा। जी ठीक बा। उछल पर आगे बा। ए रुक 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 रुक। Come on, Kishor, chala udal jai. तू बिल्कुल डरा मत किशोर, हम है ना, बस कस के पकड़े रहा कस के। तू ठीक तो बड़ा, डोंट वरी, हम बिल्कुल ठीक हैं। निकला गल। अरे अरे निकल जा, अरे बच्चा के देखा। तू ठीक तो बड़ा, तू ठीक तो बड़ा। ओके पता रहल नहीं खतरनाक बा, फिर ऐसन करे के का जरूरत रहे? अगर कुछ हो जाता, अगर प्यार बा तो सब पॉसिबल था। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद लव। जान चल जा तब भी इच्छा चाहिए, दूसरन के खुश रखे का भावना खाली इंसान में ही होवेला। इस संसार में दूसरन के खुश रखे के भावना खाली इंसान में ही होवेला।
संध्या। हाय संध्या। हाय। किशोर के लास्ट विश पूरा होते तू हमार बात नहीं टलबू ये प्रॉमिस याद बना। यही खातिर तुहार शादी सुबह के साथ फिक्स कैले हैं। आज ही एंगेजमेंट बा और दो तीन दिन में शादी। लेट्स गो। ये वक्त हम 50% ही जमा कर सकीला, बाकी के अमाउंट के खातिर हमें तनी टाइम चाहिए। लेकिन सारा पैसा तो पीआरजी के 6 दिन पहले ही मिल चुकल बा, और नो ड्यू सर्टिफिकेट भी जमा करवा देले बाड़न। ये देखा दादाजी कैले हुई है। रामनवमी खातिर 2 दिन बाकी बा, और संध्या जी से भी मिले के बा। हमहु चाहत रहनी की संध्या रामनवमी के दिन खड़े आवे और काले होकर एंगेजमेंट हुए वाला बा, और 2 दिन बाद इंडिया में शादी। तो फिर का करल जाई? अरे जल्दी करे। अरे ससुर जी, सामने के पंडाल के सजावट हम करवाई ले हैं। अच्छा बना दादाजी, चंदू भैया अभी तक ना आई ना। पंडित जी कहता ना कि मुहूर्त का टाइम निकला जात बा, आप चाहे तो खुद भी। रात के फोन पर होकर दोस्त बदवलस की वो निकल चुकल बा, वो कोनो वक्त आवत हुई। इंडिया इज सो हॉट। सर जी संध्या बहुत अच्छा सोचला कि ऐसा गांव के मंदिर में शादी करल जाए। इवन आई थॉट द सेम। बाना डैड अरेंजमेंट तक गजब के कई लेवा। अरेंजमेंट पर ध्यान मत द, खाली खातिरदारी पर ध्यान द। एक संध्या, संध्या ही का बा। चंदू संध्या चलो, आज यहाँ राम और सीता जी के विवाह हो जात बा, ई खत्म हुए तक कुछ मत कहा। तुहार परिवार खातिर ई पूजा कितना इम्पोर्टेंट बा हम जानीला, तू एकर तैयारी करा। संध्या पागलपन मत करा, चला। हम नहीं जाई, हमके आपन वादा याद बा, हमके मत रोकी प्लीज। हमार भैया बाड़न। और भाई साहब ठीक बने ना? नमस्ते चंदू। हाँ दादाजी। ये लोग के बाड़न? संध्या का भैया और ओकर रिलेटिव। दोनों कंफ्यूजन बागा, आखिर बात का। दादाजी दादी पंडाल में पहुंच चुकल बानी, मुहूर्त तैयार होकर जल्दी आ जा। हाँ दादाजी। मामा जी, ये झंझट के रउआ खाली 2 घंटा तक संभाल ली। 2 घंटा तक हम संभाल ले, फिर का? जब वो तोहार झूठ पर यकीन कहले बा, तब उस सच पर यकीन काहे ना करी? उनकरा खुश करे खातिर जे झूठ बोले वो ठीक, तू जे कहले वो भी ठीक, हम जे करब वो भी करेक्ट। ना घबराओ मत, प्रोसीड। ओके। हमनियो ओइजा चलल जा डैड। हम लइका वाला हैं, बिना बुलावा के हम ना जाई। सही कहा थी रउआ, केहू के हमनी के ध्याने नहीं के, अभी बताइला। काफी थक गेल होइब रउआ, तो पहले चली बैठी। रउआ लोग के तमीज नहीं के, हम संध्या के होए वाला पति ही और हमार माई बाप के ही धूप में खड़ा कीले बड़ा। ओ गॉड, वो ये जा का करत बा, सच खुल गेल तो शादी कैंसिल। बस हम अबहीं आवत हैं। सॉरी सर, हम रउआ के रूम में ले जाइला, आराम कर ली है तो कल शादी में फ्रेश रही है। शादी काल हुई, संध्या तो आज बोल रहा। अमेरिकन टाइम से आज बा, इंडियन टाइम से शादी काल बा। का करत बाड़े? एकरा लागत बा कि चंदू का मामला एकर बहिन के शादी के रोक दी। पूजा के टाइम हो गयी, पुजारी चिल्लात बाड़न, पति पत्नी का उत्साह होवे के चाही। संध्या तो पूरी तरह रेडी हो गयी, दूल्हा कहाँ बा? ई कैसन कन्फ्यूजन बा, सर जी बोलत बाड़न काल होगी, ई कहत बड़े आज हुई। ई कुछ पूछत बाड़न, जवाब दा।
सीता और राम के शादी के बारे में राम सीता जी के शादी बा तो संध्या के बगल में हम बैठा तो हर शादी तो भाई पर संध्या भी तो शादी सुधा नहीं खे यही खातिर ना चंदू संध्या के बगल में अभी चंदू के बा रामचंद्र जी के अभी रामचंद्र जी के बाड़न चंदू के दा हां सर जी देखिए हम तो पूरा कंफ्यूज थी लेकिन रउवा तो क्लियर ही ना हां फिर ठीक बा हम क्लियर है सर जी हाँ। हमार डैड के ई मत बताएब कि संध्या कोनो और आदमी के साथ पूजा में बैठे वाली बा अगर पता चल गेल तो शादी कैंसिल हो जाई थोड़ा गुस्सेल दिमाग वाला बड़ा थोड़ा पागल तबा एकर स्क्रू ठीला बा एकर कमरा तो हो जा सु जो जा जाती चल चल छोड़ दी आराम कर तू ना हम तोरा के पागल दिखा थई का अगर संध्या सबके सामने चंदू के साथ पूजा पर बैठी तो ओकरा साथे शादी के करी हां ज्यादा होशियारी दिखावे के जरूरत नहीं खे हमार बहिन कहां बा ई बतावा अगर तू नहीं बतावले तो हम सारा गांव के बता देब कि तू दूर यहां आवा सरपंच जी यहां आवा एकरा के संध्या के पास ले जा ई ठंडा ठंडा कूल कूल और संध्या कहां बा ई बतावा संध्या ईला आवा चला दिखाई ले संध्या कहां बा संध्या के अलावा सब कुछ दिखाई सुना वही जा देखा संध्या वही जबा का और नहीं तो का लाखों रुपया खर्च करके रामचंद्र जी मिनरल वाटर टैंक बनवले वाड़न एकरे नाम तो संध्या बा अब जितना पिए के बाद शुरू हो जा अरे हम क्या पूछत है तू का बता बड़ा दिमाग खराब बा का अरे ऐसा नहीं के टैंक खाली नहीं के ओकरा में पूरा मिनरल वाटर भरल बा शाम के तो टंकी खोली ना तो के नहीं मालूम के संध्या कहां बा तो हमके ये जग काहे उठा लिया ओले मोटा खोपड़ी वाले अगर हम मोटा हैं तो ये कौन दुबला पतला बा बहुत प्यास लागल बा तो थोड़ा सा आगे चला दुकान पर पानी खरीद ला प्यास नहीं खे लागल बुड़बक गुस्सा में बाड़ी गुस्सा में गुस्सा में बा तो हमरा पे काहे चिल्ला था लागत बा कि अब हम ही गलत समझ ली उपाय में समझ अभी तो हम भागत हैं हमार टाइम बर्बाद कर देला वहां जाए के बा का भाई सर संध्या कहां बा कौन संध्या हमार बहन संध्या रउवा की है सर हम ओकर भाई हैं आ संध्या कहां बाड़ा शादी कहां बा शादी में मेला बा या मेला में ये तो कंफ्यूजन बा अंकल वैसे शादी के जगह कहां बा अंकल ई दूसर कंफ्यूजन बा मंडप कहां बा ऊ सब छोड़ी ई सारा टेंशन लड़की वालन के बा रउवा सीधे कॉटेज पर पहुंची बस अमेरिका में जॉब करेला ओकर तनख्वाह 20 लाख बा लेकिन बुढ़वा थोड़ा सनकी बा हां ई आवाज तो सुनल सुनल लागत बा ई माया के कोच ऐजा का करत बा हां ए एक मिनट हां ई के बा ई पूजा करी है और ऊ के बा ऊ ओकर पार्टनर बा दोनों मिलके सीताराम जी की शादी साथे करवावे वाला बाड़े ए एक मिनट अरे दुल्हन के नाम का बताओ संध्या का है ओकर भाई वकील बा हां लेकिन रउवा कैसे जानी ला बाद में बताओ थई तू जल्दी से अपने पापा को लेके यहां आ जाओ ई हो कंफ्यूज्ड बड़न का तू चंदू के कैसे जाने ला शैतान के बारे में कोनो आनर से भी पूछबा तो ऊ बता देही ओ अगर हम आत्मकथा लिखब तो आधा चंदू के नाम पर जाई हमार खूबसूरत बीवी के ऊ लेके भाग गई एकरा से पहले के ऊ शादी करवाई ओकरा के रोका के हुई भगवान के शादी करवावे में विघ्न काहे डाला अगर ई शादी होई तो हमार भतीजा बर्बाद हो जाई रोकबा ता पाप लागी हम ई पाप जरूर करब अरे मत कर हम करब नमस्कार नमस्कार अरे हम तो सरपंच से हमका दे के भागत काहे बड़ा भाई ई बात हम सरपंच के बताई सरपंच जी नमस्कार 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 बात बतावल चाहती एक्चुअली हमें कुल खोलब ओहिजा पर जो चंदू खड़ा बा ना वो एक नंबर के धोखेबाज बा करेक्ट बा ई बात रउवा जाने थी हां यो करेक्ट बा अब ई कैसे हो सकेला कि दोनों बात करेक्ट हो अरे तो हार कहना भी करेक्ट बा और हमार कहना भी करेक्ट बा पूछा ता भी करेक्ट बा जवाब दा ता भी करेक्ट बा अपन साइड से तू करेक्ट बड़ा हमार साइड से हम करेक्ट है जब सुनाई ना तो ओकरा के बहरा कहल जाला ऊ तो रउवा नहीं की सुनाई दे फिर भी समझ ना आवे तो पागल कहल जाला पगला पागल 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 आदमी ई भी करेक्ट बा तोरा पास दिमाग बा एजा बात करे के बजाय एसी रूम में चल के बात करा धूप में काहे बोलौला हमनी के कोनो इज्जत बाकी ना इज्जत के लेके चढ़बे उस शादी में संध्या चंदू के साथ बैठी हमरा के सब पता बा ई एजा के रिवाज बा ई कैसन रिवाज बा ओकरे बगल में चंदू बैठी का दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ रिवाज हमार बहू के साथे और केहू काहे बैठी अरे डैडी यू डोंट नो चंदू के ऑलरेडी शादी हो चुकल बा चंदू के ऑलरेडी शादी भइल बा संध्या से संध्या से रउवा शुरुआत से कंफ्यूज थी लेकिन हमार गुरुजी एकदम क्लियर बाड़न ओहे तो हर गुरु बा ना हां हां ओहे बाड़न अरे रे रे लग गई हां हां ईहे बाड़न
रूबी गधा चेला भी गधा। अगर इज्जत की चिंता बा तो गांव छोड़ दे, अगर शादी करवावे के बाद तो रोक दे, जा जल्दी। चला बेटा। नहीं दादाजी, हम ही नहीं कर पाएगा। आई एम सॉरी दादी माँ, हम रउआ से झूठ कह ले रहे। झूठ से खुशी जरूर मिले ले, लेकिन उस खुशी के बाद जौन तकलीफ मिले ले, उस ज्यादा दुख देवे ले। हमें माफ करी दादी, संध्या हमार बीवी नहीं के। अपने फायदा खातिर हम रउआ से झूठ बोल के संध्या के भी एकरा में शामिल कर ले ली। जब हमार झूठ पकड़ल गईल तब संध्या हमसे दूर हो गई। हम फिर से झूठ बोल के रउआ सबके धोखा नहीं दे। संध्या, पराई होके भी तू एनहिन के बारे में इतना सब सोच लू, फिर हम तो इनकर आपन ही। आपन जवान बेटा के खो देवे का दुख दादी 30 साल तक सहनी, और अब जब इनके पता चली कि संध्या हमार बीवी नहीं खे, तो का बीती इन पर। दादाजी, जेकरा पर हमनी भरोसा के लिए अगर उहे हमनी के धोखा दे, तो ओकरा के माफ करल इतना आसान नहीं होला। हम धोखेबाज ही जान कर भी रउआ हमार मदद के लिए ये एहसान बर राउर के हमरा पर। आई एम सॉरी, हम ही नहीं कर सकेला। जे अपराध करके पश्चाताप करेला, ओकरा त राम जी भी माफ कर देवेले, लेकिन तू तो हमने के अपन बड़ा बेटा। कई उहे चंदू बाबैया, हमरे कहले पर रउआ हमार बात नहीं मनती, यही खातिर रउआ के ले आइल बानी। शादी से आदमी के खुशी मिले और वो महफूज रहे, ऐसन राउर के कहना रहे। चंदू और ओकर फैमिली के देख के रउआ के नई खेलागत के हम खुश रहम। हमार नफरत के बावजूद चंदू हमरा के कैसे भी मना लेलस, ताका प्यार खातिर हम रउआ के नहीं मना सकेला। यह खातिर हम रउआ के यही जा लेके आयल रहनी। सुब्रमण्यम से शादी करके हम बिल्कुल खुश नहीं रह भैया। राम और सीता जी के ब्याह तो बहुत पहले हो गए रहल, और हर साल हम ओकर उत्सव अपन खुशी खातिर मनाइला। इहो तो वैसने बा, माफ करी अब संध्याई परिवार के ही एक अंश बा। रिश्ता से दूर भागे से समस्या का समाधान नहीं होवेला, ओकरा के प्यार से सुलझावे का कोशिश करे के चाहिए। जिंदगी में अपने रिश्ता के कभी मत खोइया, कभी मत खोइया।